बच्चों चुप। हाँ बच्चों बात चुप करो, सब मुंह में हाथ लगा कर भैया, मुंह में आंगुल लगा करके एकदम पूरा। अच्छे बच्चे कैसे मुंह में उंगली कैसे? अज्ञानत निरंदस्य ज्ञानंजनालापय चक्रमिलितन्नेना तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्तये नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय त्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणमूर्ति नामिने वंश्य कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशरी गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य गुरुपाद पति ओम विष्णुपाद चित्रकथन श्री श्रीमद भक्ति वेदांत दंडी गोस्वामी महाराज फल गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका है कि कृपा प्रार्थना करता हूँ। व्यास आसन पर आसन अस्मादीय अभिन्न गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टत्रशतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनका है कि कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीला परम गुरु महाराज श्रील जगत कृष्ण प्रभुपाद समस्त रूपानुग्रागण गुरुवर्ग के चरणों में आश्रय ग्रहण करते हुए उनके चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णववृंद एवं समस्त सवित्रवृंद के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार है। गुरु जी का यह आदेश हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में क्यों आए, आने का क्या का कारण है, क्योंकि भगवान इस जगत में आते हैं बिना किसी कारण के जगत में नहीं आते हैं, अनेकों कारण होते हैं। तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जगत में जब आए तो उसका क्या का कारण था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कल प्रकट हुए तो उनके कारणों किस कारण से आए उसके बारे में भी हमें जानना अति आवश्यक है। जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन कब कब मैं इस जगत में आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनम् सृजम्यहम् परित्राणे साधूनां विनाशे च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं हे पार्थ हे अर्जुन इस जगत में मैं कब कब आता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य कि जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म प्रबल होते हैं तब तब मैं इस जगत में बहुत सुंदर उदाहरण करके आता हूँ। पहला कारण क्या हो गया, जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान इस जगत में आते हैं। दूसरा कारण बता रहे हैं परित्राणे साधुना साधुओं पर अर्थात अपने जो साधुगण हैं जो भगवान पर आश्रित हैं उन पर विशेष रूप से कृपा करने के लिए भगवान आते हैं जगत में परित्राणे साधुना बिना शैचा दुष्कृतम। तीसरा कारण क्या है, जो दुष्ट है दुष्ट को दलन करने के लिए
भगवान आते हैं। तो चौथा कारण जहाँ पर बतला रहे हैं कि चौथा कारण क्या है, भगवान किस कारण से आते हैं। हम लोग आज बहुत सुंदर घटना सुनेंगे जहाँ पर कि कल हम घटना सुने थे भगवान वामन देव की। जब भगवान वामन देव प्रकट हुए एवं बलि महाराज के द्वार में गए जहाँ पर वे दिव्य अष्टमेध यज्ञ कर रहे थे, जैसे ही गए उस समय बलि महाराज के जो कन्या थी कौन रत्नमाला, रत्नमाला जैसे ही भगवान वामन देव को देखते ही उनके मन में यह उत्कंठा जगी, यदि इस अपूर्व बालक को मैं अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर पाता अहो मेरा कितना बड़ा भाग्य होता, मैं इसे स्थान पान कराती, यह उसके हृदय में यह भावना जग उठी। किंतु जब भगवान वामन देव तीन पग भूमि मांग लिए और तीन पग भूमि में एक पग तो पूरा त्रिजा नदी तक उनका पहुंच गया त्रिविक्रम रूप में और एक पग पूरा पाताल तक पहुंच गए एवं फिर और एक पग कहाँ रखे, जब बलि महाराज के सर पर रखे एवं बलि महाराज को जब नाग पाश से बंध दिया, इन समस्त क्रियाकलापों को देखकर रत्नमाला के हृदय में उस समय यह भावना विकृत हो उठी कि यह बालक यदि मेरे पुत्र होता तो मैं इसे विष देकर मार देती। तो रत्नमाला के जो दो इच्छा हुई, पहले कि यह यदि मेरे पुत्र होते तो मैं इसे स्थान पान कराती, दूसरा जब वह घटना कुछ विकृत हुआ तब उसके हृदय में जो भावना जगी थी विकृत भावना जग उठी तो वह रत्नमाला पुतना के रूप में आई। तो रत्नमाला के जो मन में इच्छा थी उसे पूर्ण करने के लिए भगवान आए। ये हो गए चौथा कारण। पांचवा कारण क्या है भगवान के आने का, जहाँ पर बतलाते हैं भगवान मत्स्य अवतार में जब इस धराधाम में प्रकटित हुए, क्योंकि भगवान के आने का कोई सामान्य कारण नहीं है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान आते हैं। इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, इंद्र आदि देवतागण जब जब असुरों से पीड़ित होते हैं तब तब भगवान उनके पीड़ा को दूर करने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से जब भगवान मत्स्य अवतार में इस धराधाम में प्रकटित हुए उस समय मत्स्य समुद्र कन्याएं भगवान को देखकर उस अपूर्व रूप को देखकर वे सब मन में यह अभिलाषा की यदि भगवान हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करती तो अहो हमारे कितना सौभाग्य होता। तो उनके मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह आश्वासन दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, जब द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम सबका मनोवांछा पूर्ण करूंगा। छठवां कारण क्या है, जब भगवान रामचंद्र स्वयंवर सभा के लिए मिथिला में जब पहुंचे विश्वमित्र जी के साथ, तो उस समय भगवान के उस अपूर्व रूप को देखकर मिथिला के जितने भी कन्याएं थी सबके मन में यह भावना जगी कि अहो यदि हम इस अपूर्व सुंदर बालक इस अपूर्व सुंदर जो भगवान श्री राम हैं उनको यदि हम अपने पति के रूप में प्राप्त कर पाती तो कितना हमारा सौभाग्य होता। तो उन समस्त जितने भी कन्याएं थी उनका मनोवांछा भगवान वहाँ पर उन्हें भगवान आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करना, तुम लोगों के जो मनोवांछा है मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में जगत में आया हूँ मर्यादा की स्थापना करने के लिए, तो मैं तुम लोगों की जो मनोवांछा है मैं उसे जब मैं कृष्ण रूप में आऊँगा तब मैं पूर्ण करूँगा। सप्त कारण क्या है, जब भगवान रामचंद्र जी 14 साल के लिए जब वनवास में गए, भगवान नाना स्थानों में भ्रमण करते करते चित्रकूट से होते होते जब भगवान दंडकारण्य वन में गए तो उस समय जो मुनि ऋषिगण वहाँ पर भजन कर रहे थे और मुनि ऋषिगण भगवान के अपूर्व रूप को देखकर उनके मन में भी इच्छा जगी तो उनके अभिलाषों को पूर्ण करने के लिए वो भी एक कारण था। आठवां कारण क्या है, आठवां कारण है कि भगवान जब रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ के लिए सब कुछ तैयारियाँ हुआ, वशिष्ठ जी से जब पूछे कि गुरु जी हवन की क्या विधि विधान है, तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राम
हवन का विधि विधान है कि पति के साथ पत्नी भी उस हवन में बैठना पड़ेगा। तब भगवान रामचंद्र जी को बोले कि तुम द्वितीय विवाह करो। भगवान रामचंद्र क्या बोले कि हे गुरुजी, मैं द्वितीय विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं सीता जी को वचन दिया था, मैं तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पुनः द्वितीय कभी भी किसी से विवाह नहीं करूंगा। तो जितने भी स्वर्ण सीताएं निर्मित किए, उस समय जो समाधान दिए थे वशिष्ठ जी कि ठीक है, तुम स्वर्ण सीता का मूर्ति का निर्माण करो, और जितने बार हवन हुआ, यज्ञ हुआ, उसमें जितने स्वर्ण सीताएं भगवान के साथ बैठी थी, तो सभी स्वर्ण सीताओं के मन में यही अभिलाषा जगी, क्योंकि जो स्वर्ण सीता बनाती थी उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा भी करती थी, तो उनके मन में भी यह अभिलाषा जगी कि हम भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त कर पाए। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, तुम लोग चिंता नहीं करना, मैं जब कृष्ण रूप में आऊंगा तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण करूंगा। ये और नौवा कारण क्या है, जहां पर कहते हैं कि नौवा कारण है, जब भगवान के प्रिय भक्त त्रिशनी एवं सुतपा जब दिव्य भगवान का भजन कर रहे थे, कैसे कि जहां पर बहुत सुंदर रूप से वर्णन है, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज आहिस्ता आहिस्ता जितना भजन करते गए उतना अपना जुहे के भोग आदि आहिस्ता आहिस्ता कम करते गए, उसी प्रकार से कृष्ण एवं सुतपा भी बहुत कठोर तपस्या किए। जब कठोर तपस्या किए तो उसके फलस्वरूप भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के निकट प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो। तो भगवान क्या कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं, अतः मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। नौवा कारण क्या है? नौवा कारण है कि दसवा कारण है कि भगवान जब वही फिर देवकी एवं वासुदेव के रूप में आए, तो भगवान उनके पुत्र के रूप में जहाँ पर मथुरा में कंस कारागृह में प्रकट हुए। और दसवा कारण क्या है? दसवा कारण है द्रोण एवं भरा जो नंद एवं यशोदा के रूप में आए, उनके भी मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए भगवान नंद गोकुल में नंदस्त्वा आत्मजा जात कर्मश्य नंदस्त्वा आत्मजा। बहुत सुंदर रूप से पंचम अध्याय में, दसव स्कंद के पंचम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया कि आत्मजा कहने से आत्मा से जो जन्म लेने वाले अर्थात जो नंद महाराज के पुत्र है, नंद महाराज एवं श्री माता यशोदा के पुत्र के रूप में भगवान आए नंद गोकुल में। और ग्यारहवें कारण क्या है? ग्यारहवें कारण है कि अनुग्रह भक्तनाम, भक्त पर बहुत विशेष रूप से कृपा करने के लिए। देखिए जो इतना सारा कारण है ना कि भगवान असुरों को दलन करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए जगत में आए, भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भगवान इच्छा मात्र से तो सब कुछ हो सकते हैं। जिनकी इच्छा मात्र से ही प्रलय हो जाते हैं, उनकी इच्छा मात्र से कैसे सब नहीं हो सकते हैं। किंतु भगवान क्यों आते हैं, आने का मूल कारण क्या है? अनुग्रही भक्तना मानुषम देह आश्रितम, अपने भक्तों पर विशेष रूप से अनुग्रह करने के लिए भगवान आते हैं। जो बहुत उच्च पक्षी के तरह, चात पक्षी के तरह जो आस लगाए बैठे हैं कि कब वह बारिश का बूंद मिलेगा, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्तगण होते हैं उसी प्रकार से प्रतीक्षा में ताक में रहते हैं कि कब मेरे प्रभु आएंगे, उसके लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो भगवान अपने प्रिय भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ और एक कारण क्या है? रसराज जो महाराज है, समस्त लीलाओं का जो चक्रवर्ती लीला है, उससे इस जगत में भगवान स्थापना करने के लिए आते हैं, उस लीला को इस जगत में प्रकट करने के लिए आते हैं। जीवेर लागी प्रपंच आसिया लीला कोयले सुविस्तार, हे गोपीनाथ आप इस जगत में क्यों आते हैं? जीवों पर कृपा करने के लिए, अपने लीलाओं के इस जगत में आके आप विस्तार करते हैं। तो इन कई सारे कारणों से भगवान इस जगत में आए। निताय गोत्र आनंदे आप लोग ताली नहीं मिला रज वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक मिनट कीर्तन कर लो।
बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद सत्यवतै नमो नमः।
तमादिदेव करुणानिधान कमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतम स्वरूपम जन्म प्रभजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भुनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर शतश्री श्री श्री माध भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर शतश्री श्री श्री माध भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्णा वो अजन्मा होते हुए भी कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी प्रकट हुई। हम लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे कृष्ण गीता में कहते हैं बोले हे अर्जुन बोले अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर अपि सर प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। बोले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं मैं अजन्मा लेकिन अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूँ। बोले किस लिए जन्म लेता हूँ कहते भक्तों के ऊपर में कृपा करने के लिए अनुग्रह करने के लिए। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं होते अगर कृष्ण इतने सुंदर सुंदर लीला नहीं करते भगवान राम अगर इतने प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीला नहीं करते फिर क्या हम बैठ करके ठाकुर की कथा सुनते फिर घर में बैठ करके बेटा बहू नाती पोती यानी कि दुनियादारी की चर्चा करते। इसलिए ठाकुर जी धीरे 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 जीव कैसे ठाकुर की कथा सुन करके उनकी महिमा को सुन करके धीरे धीरे जीव का जो चित्त ठाकुर जी के चरण में लग जाए बस जब ठाकुर जी के चरण में लग जाएगा फिर तो हमारी बड़ाई बार हो जाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म च दिव्यम एवं जहातः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नैति मामेति स्वर्जुन। कहते हे अर्जुन मेरा जो जन्म और ये कर्म है ये अवलौकिक दिव्य ये अपराकृत है। लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ना अरे हम भी जैसे बचपन में लीला करते हैं चोरी करते हैं हम भी जैसे हम नटखट करते हैं कृष्ण भी तो बचपन में ऐसे किया और ठाकुर जी तो ऐसे ही जन्म हम जैसे जन्म लिए ठाकुर तो वैसे ही जन्म ले लिया हैं और हम में ठाकुर में क्या फर्क है। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन मेरा जो जन्म कर्म है वो देखने के लिए तो लगता है साधारण बच्चों का जैसे हैं लेकिन अगर मेरे लीलाओं को कोई दिव्यता को अपराकृत को कोई समझ जाए ना फिर तो संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता है। अगर ठाकुर जी की लीलाओं को सुनेंगे तो हमारी बड़ा पार होगी अगर दुनियादारी की बात तो सुनेंगे ना संसार की माया के बंधन में पड़ना पड़ेगा।
इसलिए भगवान जीवों को मन में अनुग्रह कृपा करने के लिए ठाकुर जी कल ठाकुर जी कंस की कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे। आप लोगों ने बच्चे जन्म दिए होंगे, बच्चे जन्म दिए कि नहीं, लेकिन कल जब भगवान जन्म हुए क्या साधारण बच्चे जैसे जन्म हुए, पहले उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और उनको सारे पूर्व जन्म की एक एक कथा सुनाए, कैसे तुम दोनों पूर्व जन्म में मेरी कठोर तपस्या केवल सूखे पत्ते खा खा करके मेरी तपस्या की 10,000 साल तक मैंने जब संतुष्ट होकर के बोला वर मांगो, तुम लोगों ने क्या वर मांगे, बोले ठाकुर जी आप जैसे हमें एक लाला चाहिए। मैंने कहा भैया मेरे लाला तो मेरे जैसे तो कोई होता ही नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति में संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी लाला बनकर ही आ जाऊँगा। इसलिए ठाकुर जी कृष्ण रूप में कृष्ण अवतीर्ण हुए, इसलिए चतुर्भुज रूप में लेकर की। साधारण बच्चा जब जन्म लेता है ऐसी चार हाथ दिखाता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता है और अपना पूर्व जन्म की बात तुमको बताई नहीं। इसलिए भगवान का जो लीला दीप अप्राकृत वही अवलोकित है। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण किया था कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए, आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे नंद के लाला बन करके गोकुल में जन्म लिए और गोकुल में कैसे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया। हाँ, कैसे बड़े धूमधाम से नंद महोत्सव भयो है, आज हम उसकी कथा सुनेंगे। कहते श्री नंद बाबा की जी को पिताजी जो थे उनका नाम था श्री परजन बाबा। कहते उनको 5 बेटे थे, कहते उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद, इनकी 5 बेटे थे। लेकिन जो नंद बाबा ना ये बीच का, जैसे पंच पांडव में बीच कौन बताओ, तो बीच का लड़का कौन है, अर्जुन। लेकिन सारे 5 पांडव में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि कृष्ण की सखा है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त करके उन्हें ये गीता की उपदेश सुनाया। जद्यपि उनके 5 तो बेटे थे लेकिन जो मझला बेटा है ना ये नंद। बोले नंद का मतलब क्या होता है, बोले आनंदित इति नंद, जो सबको जिसने आनंद प्रदान किया तो दुनिया को आनंद कैसे दिया, बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद बाबा ने कृष्ण को जन्म दिया और जो कृष्ण को भजन करते हैं वो आनंद आनंद को प्राप्त करते हैं, इसलिए उनका नाम नंद। अभी पहले नियम ये होता था जब 50 साल हो जाता था कोई घर में नहीं रहता था, घर में कोई नहीं रहता था, पहले 4 आश्रम हैं, पहले ब्रह्मचर्य, पहले 25 साल तक सबके सब गुरुकुल में जा करके, जैसे आप लोग टीवी में कृष्ण लीला राम लीला देखे होंगे, भगवान कृष्ण राम दोनों भी गुरुकुल में गए पढ़ाई किया, लेकिन 25 साल अपना गुरुकुल में गुरु जी की सेवा करते हुए जीवन बिताते थे। जब 25 साल हो जाता था फिर गुरु जी पूछते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करना चाहते हो, क्या करोगे। लेकिन जो काम को संयत कर लेता था, जिनको पता चलता था ये मानव शरीर भगवान बारंबार नहीं देते हैं, ये 84 लक्ष जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर देते हैं, इसलिए ये मानव शरीर नहीं ये क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये 84 लक्ष जन्म भटकते भटकते जब जीव को मानव शरीर मिलता है ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हैं, क्योंकि इसी जीवन में भगवान की भक्ति करके भजन करके संसार से पार हो सकते हैं। अगर ये चीज को जिसको पता चल जाता था वो क्या बोलता था, बोले गुरु जी मैं और घर में वापस जाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपका स्वीचर में रह करके भगवान की भक्ति करते हुए भजन करते हुए ये जीवन को मुक्ति मार्ग पर ले जाए, संसार से उधार हो जाए। लेकिन जो बच्चा ज़्यादा ही संसार का कामना वासना बगैर घर गृहस्थ के रह ही नहीं सकता है, जो फेल बच्चे होते थे, बोले गुरु जी हम तो अपना काम को संभाल नहीं सकते हैं, गुरु जी कहते थे ठीक है बेटा घर में जाओ, घर में जाकर लव मैरिज नहीं करना, कैसी शादी करना, जैसे तुम्हारी पिता माता जैसे तुमको अपना वर्ण जाति के अनुरूप जहाँ पर तुमको शादी करवाएंगे वहीं पर जाकर के शादी करना, अपना मनमर्जी शादी नहीं करना।
आप लोगों ने जब शादी किया हो, कौन कौन शादी किया हाथ उठाओ। आप बताओ, जब आपने शादी किया तुमने पति को देखने के लिए गया था ना? पति तुम्हें देखने के लिए आया था? कोई देखने के लिए नहीं गया था। पिता माता आंख बंद करके जहाँ अपना धर्म मर्यादा का अनुरूप शादी कर लिया, हम लोगों ने वही शादी कर लिया ना। अब देखो तुम्हारे जीवन बीत गए कि नहीं। लेकिन अभी ऐसे नहीं होता है, नहीं, हम अपना मनमर्जी शादी करते हैं, हैं? जैसे मन चाहता है वैसे शादी करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद में फिर लड़ाई झगड़ा अशांति होने लग जाता है, फिर डाइवोर्स का फिर कारण आ जाता है। लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। पहले क्या होता था, अपना वर्ण जाति अनुरूप शादी करते थे। कहते वर्ण अनुरूप क्यों शादी करते थे, कारण क्या? बोले कारण ये था, जो बेटी जिस परिवार की होती थी वो बचपन से व्यक्ति के पिता माता के व्यवहार कैसे, हमारी मैया पिता को प्रति कैसे व्यवहार करता है, पिता माता जी को प्रति कैसे व्यवहार, भाई बहनी को प्रति कैसे, अपना संसार का क्रिया कैसे चलता है वो देख देख करके आती थी। फिर जब उसी वर्ण में जाती थी, उसको पता बचपन में देखा है अपना पिता माता का व्यवहार, वो जा करके फिर ढल जाती थी। इसलिए इनकी शादी टिक जाती थी। लेकिन अभी शादी नहीं, सहज में टिकती हैं, क्यों? मन मर्जी सब शादी करना चाहते हैं। इसलिए गुरु जी कह रहे थे, बेटा जाओ शादी करो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 50 साल, उसको बाद में साथ घर में नहीं रहना। उसको बाद में क्या अंका आता है, बोले एका बहन बा बहन चौबन, मतलब बहन में जाओ। इसलिए भागवत कहता है 50 ऊर्धे बनम ब्रजे, 50 साल के बाद में घर में नहीं रहना। कहाँ जाना? वृंदावन जाना। वृंदावन में क्या करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो। ये जीवन भक्ति के लिए मिला, ये घर गृहस्थी के लिए नहीं मिला, ये 84 लाख जन्म के बाद में मिलता है जीवन, ये मुक्ति के द्वार पर तुम खड़े हो। इसलिए क्या करते थे, सब के सब धाम में जा करके दोनों पति पत्नी बाण प्रस्थों को लेकर के दोनों पति पत्नी भगवान की भक्ति करते थे। उसको बाद में फिर सन्यासी आश्रम आता है, हैं? सन्यासी आश्रम। इसलिए जब श्री परजन्य बाबा को 50 साल हो गया, बच्चे बड़े हो गए। एक दिन बच्चों को बुलाया, देखो बच्चों हमारी उम्र 50 साल हो गया, अभी तुम लोगों को बच्चे हो गए, तुमको शादीशुदा कर दिया, तुम लोग ए बच्चों ए यहाँ पर कोई आओ तो, वो कहाँ गया बच्चों, इधर आओ। ये नहीं, बच्चों को पीछे करा, जब पीछे चल जाओ। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए श्री नंद बाबा ने परिजन बाबा 5 बच्चों को बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग को शादीशुदा हो गया, घर गृहस्थ तुम ठीक ठाक हो, काम धाम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अभी हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी अभी हम धाम में जाकर भगवान की भजन करें, हम बाण प्रस्थ लेना चाहते हैं, और सबसे जो बड़ा बेटा है हम चाहते हैं उनको हम राज सिंहासन उसको अभिषेक कर दे, अभिषेक करके हम दोनों पति पत्नी भजन करने के लिए जाए। इतने में बड़ा बेटा ने कहा, पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का मेरे अंदर में कोई गुण नहीं, ये गुण तो मझला बेटा जो नंद को अंदर है। इसलिए बच्ची ए तिलक लगाने वाले बैठ चुका, इसलिए भले मझला जो बेटा नंद है, ये नंद बाबा को ही आप सिंहासन में बैठाओ, इनको ही राजा अभिषेक कर लो। तो उन्होंने सब जितने प्रजा बड़ी खुश हो गए, बोले सचमुच से जो मझला बेटा नंद यही राजा बनने का योग्य है। बोले क्यों, राजा कौन बनता है जो सारे प्रजाओं को अपना पुत्र बत देते, ऐसे नहीं जब तक सिंहासन में बैठे तब तक हर पैसा को बटोरते रहे, 5 साल में इतने पैसा बटोर ले तुम्हारी बेटे के खाए तो खत्म नहीं होगा। कभी राजा का धर्म नहीं, राजा का धर्म है अपना प्रजा को पुत्रवत पालन करनी चाहिए। बोले केवल ये नंद को अंदर में ये गुण है, सारे प्रजा प्रसन्न हो गए सचमुच से ये नंद बाबा राजा बनने का लायक, क्यों सबको अपना पुत्रवत जैसे पालन करते थे। तब उन्होंने श्री नंद बाबा को सिंहासन में बैठा करके अभिषेक करते हुए परजन बाबा चले गए। देखो इधर सुना, सो नियम है
50 साल के बाद में कहते ना वन में जाकर भजन करो, अगर कम से कम वन में नहीं जा पाए लेकिन कम से कम अपना घर में तो भजन करो, अपना घर में तो दीक्षा मंत्र लेकर के हरिनाम लेकर कम से कम अपना घर में तो भजन करो ना। घर में बैठ करके दिन भर टीवी देखेंगे, बट्टी बहुओं की बात करेंगे और हुक्का खाएं, हुक्का लेकर के दिन भर हुक्का में बैठ रहोगे, नहीं। ये जीवन में भक्ति करनी चाहिए, इसी जीवन में ही प्रभु का भजन करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और किसी जीवन में नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, ये जीवन पा करके समय को बर्बाद मत करो और भगवान की भजन में जीवन को लगा लो। अभी जब परजन बाबा चले गए, अभी चार बच्चों का तो बेटे हैं लेकिन जो मझिला बेटा नंद है इनके घर में कोई संतान नहीं। नंद बाबा सोच रहे हैं भविष्य में इस सिंहासन को कौन संभालेगा, बेटा तो है ही। तो उन्होंने बहुत व्रत किया, जितने तरह का व्रत हो सकते सारे व्रत को किए, दान पुण्य तीर्थाटन यज्ञ उन्होंने सब कुछ कर दिया लेकिन घर में कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। एक दिन क्या हुआ, वो एकादशी पुत्रदा एकादशी आई, नंद जशोदा ने सोचा हमने तो सारे बार व्रत को कर चुके लेकिन अभी तक केवल एक एकादशी व्रत नहीं किया। कौन सा एकादशी, पुत्रदा। पुत्रदा मतलब क्या, जो एकादशी करने से घर में बेटा का जन्म लेता है। तो उन दोनों ने एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत की। जब एकादशी व्रत की, एकादशी मतलब होता है 11, हमारे 11 इंद्रियां हैं, कितना इंद्रियां हैं, कहते 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और इनका जो राजा ये मन, कहते नियम है एकादशी का दिन ये एकादश इंद्रियों को भगवान की भजन में लगाओ, ठाकुर का कीर्तन भक्ति पूजा पाठ में लगानी चाहिए। अभी नंद जसोदा ने भगवान की भजन किया, ठाकुर को कीर्तन किया, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रात भर कीर्तन किए, जब उनने ब्रह्म मुहूर्त में शयन किया, उनने ब्रह्म मुहूर्त में एक सुंदर स्वप्न देखा। देखो अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई स्वप्न देखता है, ब्रह्म मुहूर्त जानते हो कब होता है, सूर्य उदय होने से 1:36 पहले, उसको कहते ब्रह्म मुहूर्त। अगर उसी समय में कोई स्वप्न देखोगे ना वो करी करी वो स्वप्न सही होता है। उनने क्या स्वप्न देखा, बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घनयना बालस्तवान्तस्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांगमयां लोक्यते। उनने स्वप्न दिया आकाश में एक सुंदर श्याम रंग का बालक और उनको पीछे एकदम बिजली जैसे चमकती हुई एक सुंदरी लड़की नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया।
और इनकी हृदय से निकल करके श्री जसोदा के हृदय में प्रवेश किया और उन्होंने देखा मैया जसोदा की गोद में सुंदर एक श्याम रंग का बालक पौड़ रहा है और स्तन पान करते समय दोनों धार से दूध बहते हुए उसका कुर्ता भीग रहा था। और इतने में मैया जसोदा ने क्या सपना देखा, एक सुंदर बालक श्याम रंग का पीछे 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 आकर कपड़े पकड़ करके बोले मैया मेरे को गोद में उठा ले, मैया मेरे को गोद में ले ले, मैया मेरे को दूध पिला दो। मैं चल रहा था उनने स्वप्न देखा, जब स्वप्न देखा ना उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भधारण की। हार ब्रज में हला हो गया, हमारी मैया जसोदा गर्भधारण किया है और हमारी राजा जन्म लेने वाले। और जितने ब्रज की गोपियाँ थी ना वो छः छः महीना पहले चौरासी चौरासी गज की लहंगा चुंदरी बड़ी सुंदर अलंकार बना करके रखी, बोले नंद के लाला होगा तो हम सबके सब पहन करके नंद बाबा को मैया जसोदा को बधाई देने जाएंगे। सारे ब्रज में जयजयकार हो रहा है, क्यों आज भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले ठाकुर जी। अभी मैया जसोदा की शरीर में कुछ जन्म का लक्षण दिखता है, क्या क्या लक्षण दिखता है उनके अंदर में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई पड़ी जो बड़ी बूढ़ी माताएं थी ना, बोले मैया जसोदे जब तुम कुंवारी थी तुमने जुड़मा केले तो नहीं खा ली थी, बोले क्यों, बोले लगता है तुम्हारे पेट में दो बच्चा बच्चा है। सचमुच से कृष्ण और चोग माया दो बच्चे थे। एक गोपी ने बोली बोली मैया मैया तेरे गर्भसना एक लाला जन्म होने वाले, बोले पता कैसे चल रहा है, बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, देखो लक्षण बताए। अगर जन्म समय अगर बेटा होगा ना माताओं का जो होठ वो पीला पीला दिखेगा, बोले बेटा जन्म लेने वाले। इतने में गर्भ में जो बच्चाएँ रहती हैं देखना माताओं को चटपटी चीज़ अच्छी लगती हैं, मिर्च मसाला खट्टा ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मैया तो बड़ी जितेंद्रिय है, मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही है। तब उन्होंने बड़े सुंदर गैया घी डाल करके गैया दूध से काजू पिस्ता डालकर बड़ी सुंदर बनाया खीर और ठाकुर जी को भोग लगाया, तुलसी पत्ता दे करके मैया जसोदा को उन्होंने खीर खिलाए। हाँ देखो माताएं, एक होता है गर्भ संस्कार, सब माता लोग ध्यान देख रहे सुना, नियम है जब तुम्हारे पेट में बच्चा हो ना उल्टा पुलटा फिल्म नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो बच्चा ना गुंडा बनकर भी जन्म लेगा। अगर अब पहले बताए ना वो हिरण का सब क्यों हुए, वो कारण यही था। अगर गर्भ में बच्चा है तुम्हारी, गीता पढ़ोगे रामायण पढ़ोगे भगवान की भागवत पढ़ोगे ना, वो बच्चे को ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेगा, फिर देखना वो बच्चा इतने अच्छा बच्चा जन्म लेगा। वो जन्म होते ही तुम्हारी प्यार छूएगा, जन्म लेते ही प्यार प्यार छूएगा, पिता माता का आदेश पालन करेगा, पिता माता की बड़ी सेवा करेगा। जगत में देख लेना कुछ कुछ बच्चे बड़े संस्कारी होते हैं और कुछ कुछ बच्चे इतने उद्दंड होते हैं पिता माता की बात नहीं सुनते, क्यों, ये माता की दोष है। अब लोग रामायण देखे होंगे, जब मैया सीता गर्भधारण की, अब रामायण देखो मैया सीता जब गर्भ में जब गर्भधारण की, बड़े बड़े संत लोग वहाँ पर आए, श्री राम दरबार में सत्संग हुई राम दरबार में, और मैया सीता को भी एक आसन दिए। भगवान राम कहते बोले सीते पता है आज हमने ये संतों को क्यों बुलाया, बोले क्यों, अभी तुम्हारी गर्भ में बच्चा है, इसी समय अगर तू सत्संग सुनोगे तेरे जो बच्चा है ना संस्कारी बनेगी बड़ा बलवान बनेगी। मैया सीता के बच्चे कौन हुए बोला लव और कुश, देखे वो लव कुश कितना पराक्रमी, कितने छोटे बालक, पूरा रामचंद्र के चतुरंग छक्का छुड़ा दिए उन्होंने, छक्का छुड़ा दिए, क्या बलवान। और राम दरबार में भगवान राम को राम कथा सुनाए, देखे कि नहीं रामायण, इसका कारण क्या, बोले गर्भ में बच्चे रहते समय माताओं को गीता भागवत पढ़ना उल्टा पुलटा गंदी गंदी फिल्म नहीं देखना, ठीक है बात मत कर भी सुनो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी नंद बाबा की एक बहनी थी जिसका नाम थी सुनंदा, वो तो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी है, बोले क्यों, बोले भाभी गर्भधारण की ना, भाभी का बेटा और अखरे मेरे को नवला की हार मिलेगी। वो 6 महीना घर में आकर घर में बैठी गई और घर का सारे काम काज वो कर रही है और देख रही है कब भाभी की बेटा हो और मेरे को नवला की हार मिले हैं। इतने में ऐसे लग रहा था आज रात को ही बालक की जन्म हो जाएगी। गांव में पहले क्या होता था 8 बजे तक सब जगते थे, फिर उसको बाद में सो जाते थे हैं, फिर जल्दी जल्दी सवेरे उठते थे,
पहले तो टीवी नहीं होता था, एक एक दो दो बजते थे सो, और सवेरे उठो 8-9 बजते थे उठो, पहले तो ऐसा था नहीं। इसलिए नियम है, क्या नियम है माताएं तुम्हारा ध्यान दे करके, नियम है माताओं को सवेरे सवेरे उठनी चाहिए, सवेरे सवेरे माताओं को उठनी चाहिए। नियम है सवेरे सूर्य उदय होने से पहले अगर उठ करके नहा धो करके ठाकुर का आरती सेवा पूजा करनी चाहिए, फिर तो घर में लक्ष्मी टिक रहेगी। जो माताएं लेट तक सोती हैं घर में लक्ष्मी तुम्हारी नहीं रहेगी, लक्ष्मी धीरे धीरे घर से सरकना शुरू कर देगी, घर से लक्ष्मी धीरे धीरे जाना शुरू कर देगी। इसलिए ज़्यादा समय तक सवेरे नहीं उठनी चाहिए, जल्दी सो और जल्दी उठो और भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, हैं ठीक है ना। इसलिए जल्दी जल्दी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे ध्यान देकर सुनो, कभी कभी सांस होती है ना, अगर सांस अगर बोलती मैं 5 बजे उठती हूँ, बहू को बोले कि तू 4 बजे उठ, क्योंकि मैं 5 बजे उठती हूँ तो 4 बजे नहीं, ऐसे नहीं। टाइम से शरीर को भी रेस्ट देनी चाहिए, शरीर को भी विश्राम देनी चाहिए शरीर को, ठीक है ना। इसलिए लेकिन कोशिश करो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाओ। इसलिए शास्त्र ने 4 तरह का स्नान की बात बताया, कितने तरह का स्नान है हाँ सुन लो, मतलब पहला स्नान है ऋषि स्नान। ऋषि स्नान कहते हैं जिसको मतलब सूर्य स्नान कर ले उसको कहते हैं ऋषि लोग पहले। उसको बाद होता है नर स्नान। इंसान कब स्नान करते हैं, ठीक सूर्य उदय में स्नान कर ले, फिर होता है राक्षस स्नान। बोले राक्षस स्नान किसको कहते हैं, पर सूर्य उदय को बाद में जो स्नान के तो उसको कहते राक्षस स्नान है। इसलिए हमें कम से कम नर स्नान तो कर लो हैं, अगर देव स्नान नहीं हो ऋषि स्नान नहीं हो कम से कम नर स्नान तो कर लो, सूर्य उदय समय स्नान कर लेनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी मैया अभी लग रहा है जैसे आज बच्चा का जन्म हो जाएगा, अभी रात को सो गए, जब सो गए पहले एक काम करो 2 घंटा 2 घंटा ड्यूट लगवा दो, कहते 8 से लेकर 10 तक 10 से लेकर 12 बजे तक हम माताओं को ढोलकी दे दो, मजिया दे दो, कीर्तन करते रहे 8 से लेकर 10 बजे तक जिनके ड्यूट दिए उन लोगों ने, तो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय इतने में योग माया ने आकर के सबको सुला दी, कहाँ चिंता गिरी, कहाँ ढोलकी गिरी, कहाँ मजिरा गिरी, किसको पता नहीं, सो बेहद लोग करेंगे। और कब श्री वसुदेव महाराज आए और उन्होंने क्या किया, मैया यशोदा ने 2 बच्चे को जन्म दिया, पहले तो कान्हा को जन्म दिया, उसको बाद में फिर उन्होंने योग माया को जन्म दिया, 2 बच्चे जन्म दिए। अभी मथुरा में से एक कृष्ण आए, यहाँ पर एक कृष्ण, कितना कृष्ण हो गए बोला, 2 हो गए, फिर एक कृष्ण कहाँ गए। बोले वृंदावन में जो कृष्ण जन्म हुए हैं वो पूर्ण कृष्ण है, मथुरा में जो कृष्ण ये अंश कृष्ण, ये पूर्ण कृष्ण अंश कृष्ण को मिला दिया, लेकिन ये बात किसको पता नहीं चला। कृष्ण नंद का भी लाला है और कृष्ण वसुदेव का, दोनों का ही कृष्ण बेटे हैं। अभी सब के सब सोए पड़े हुए और यहाँ से बेटी लेकर चल गए। अभी सुना बताई इसमें सवेरे सवेरे आती, बोले सबके सब सोए पड़े हुए, भैया भाभी का क्या हालत है। उन्होंने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में एक सुंदर श्याम रंग का बालक दौड़ रहा है और किलकारी मारते हुए खेल रहा था। बोले भैया किसको पता ही नहीं चला बालक का कब जन्म हो गया, पहला खबर तो श्री नंद बाबा को दो, मेरे को नवलाख की हार मिलेगी, क्यों 6 महीना से आकर बैठी हुई।
बोले नंद बाबा है कहाँ, ढूंढो। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे, देखा नंद बाबा तो बैठ करके माला जप कर रहे थे, लेकिन ये माला जप नहीं हो पा रहा था। सोच रहे थे घर में छोरा कब है वो, लाला कब है वो, छोरा कब है वो, यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदा आकर के बोले भैया कमाल है गए हुए, इतना बोलते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दिया। बोले भैया बताओ कहाँ भय हो, बोले बताओ छः महीना से घर में बैठी हूँ ऐसे नहीं, बताओ मेरे को मिलेगा क्या। बोले ले ये नवल्ला की हार तू ले। बोले बाबा भैया इतना बड़ा बात है ना, जिसको सामने नवल्ला की हार भी कुछ नहीं। बोले क्या बोल रहे हो, ये नवल्ला की हार है। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, बताओ और क्या कहोगे। बोले ठीक है कि यमुना किनारे में जितने जमीनी जगह थे ना सब तेरे नाम पर लिखा देता हूँ, बताओ घर में कहाँ भय हो। बोले भैया ये भी उसको सामने कुछ नहीं। बोले क्या, नवल्ला का हार मिल गया सारी जमीनी जगह का। बोले तू तो कुछ नहीं हुआ। बोले बताओ और क्या दोगे। बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी का तू ले ले, जो इच्छा तू खोल कर ले लेना, लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है। हम लोग ताली देंगे। बोले श्री नंद के लाला की, जोर से बोलो, बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वही सत्यनंद बाबा दौड़ लगाए और जितने सब बड़े बड़े थे बोले नंद रुक जा, जिंदगी में पहला बार लाला का मुख देखोगे, अरे सज कर तो जा। बड़े सुंदर बगल बंधी और धोती पहना दिया, सुंदर पगड़ी बना दिए और बड़े सुंदर उनका तिलक लगा दिए, गले में फूलों की माला डाल दी। बोले क्या देख कैसे लग रहे हैं। बोले भैया चोखो लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन एक चीज की कमी रह गई। बोले क्या है। बोले दाढ़ी है ना अपना सफेद दिख रहा है। बोले हम उसको भी कलर कर देते, कलर कर दिया। बोले अभी देखो है बढ़िया लग रहा है। बोले जाओ अभी लाला का मुख दर्शन करो। जब नंद बाबा पहला बार लाला का मुख दर्शन किया, इतने खुश हुए, उनने संकल्प कर लिया, जितने ब्राह्मण संतों को 20 लाख दिया, जिनके सींग को सोने में मढ़वा करके, खूर को चांदी में मढ़वा करके, मखमल बल कपड़े से ओढ़ करके, मैं 20 लाख दिया दान दूंगा, और 7 तिल का परपत, तिल का दान बहुत बड़ा महिमा मानी गई है, 7 तिल का परपत वो भी मैं ब्राह्मण संतों को दान दूंगा। बोले सबसे पहले संत और ब्राह्मण को बुलाओ, क्योंकि ये बूढ़े उम्र में मेरे को ये लाला जो मिलो है ये संत और ब्राह्मण का आशीर्वाद से मिला। पहले आकर के बच्चों का आशीर्वाद दे, और सारे ब्राह्मण संत आकर के लाला को स्वस्ति वाचन कर करके लाला को आशीर्वाद दे रहे थे, और नाई को भेज दिया। बोले जाओ ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, मेरे लाला भयो है, जितने गोपियाँ सज धज करके हैं सबके सब उपहार लेकर के लाला को बधाई देने आए, और जितने गोपियाँ थी ना हैं वो पहले से ही तैयार थी, 84 गज की लहंगा चुंदरी बना करके सुंदर अलंकारे सुनते ही जितने गोपियाँ सुंदर लग झट श्रृंगार की, और जितने गोप बगल बंदी धोती पगड़ी तिलक है गला में फूलों की माला पहन करके दूध दही मिक्सरी मक्खन लेकर के सब गोपियाँ सर पर धर करके आ रही हैं। जब आ रही थी ना इनके कान में जो कुंडल बड़े जोर जोर से गिर रहा था। बोले क्यों। बोले जो तुम लोग हमें पहले छोड़ दो, हम जाकर के लाला को पहले हम बधाई दे। जो चोटी में सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते हुए उनके चरण में गिर रहा था। बोले क्यों। बोले जो कृष्ण को दर्शन करने जा रही हैं, कृष्ण को बधाई देने जा रही हैं, इनके चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। अगर इनकी चोटी में रहेंगे तो जमुना में बहा देंगे, अगर ये ब्रज रज में अगर मिल जाएंगे ना, कृष्ण जब बड़े होकर के ठुमक ठुमक करके ब्रज में लीला करेंगे, उनका चरण स्पर्श हमें मिलेगा। जितने गोपियाँ आ करके मैया यशोदा को बधाई दे रही थी, इधर सुना ध्यान से, जितने गोपियाँ बैठी हो मैं बोलूँगा मैया यशोदा बधाई हो, आप लोगों ने बोलना बधाई हो बधाई हो, ठीक है जोर से बोलना। बोले मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नहीं आनंद नहीं आया, कुछ कुछ माता के मुंह खोल नहीं रहे, झगड़ा हो ना इस बार इसी कोने में, उसी कारण तुमको पता चलता किसी घर में झगड़ा हो रही है, और तुम वही बोलते हो मेरे तक आवाज नहीं आ रही। जोर से बोलना। बोले मैया यशोदा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इतना नहीं,
मैया बोली बधाई हो ब्रज की गोपियों, ये बूढ़ी उम्र में भी मेरे को जो लाला का मुख दर्शन करने को मिलोगे ये तुम लोगों का आशीर्वाद है। ये लाला मेरा नहीं, ये लाला तुम सब लोगों को लाला है। और जितने बड़ी बड़ी गोपियाँ थी ना हृदय से आशीर्वाद दे रही थी, बोले जुग जुग जी ओ री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओ री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओ री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी ओ री यशोदा मैया तेरो ललना। सबके साथ लाला को आशीर्वाद दे रहे थे। देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है, देखिए सदरीवाद में कीर्तन होगा, नियम है। देखो उधर सवेरे उठ करके अगर जो पिता माता की चरण छूते हैं ना, अगर कोई पिता माता की चरण छूते हो क्या होता है, पिता माता के हृदय से आशीर्वाद निकलता है, निकलता कि नहीं। बच्चा अगर सवेरे चरण छुए पिता माता आशीर्वाद, बेटा खूब फलते फूलते रहे, अरे फुलवारी खूब बने, खूब आशीर्वाद देते हैं ना। इसलिए नियम है सवेरे उठ करके जितने बड़े बूढ़े उनकी चरणा छूनी चाहिए, सास ससुर की पिता माता की चरणा छूनी चाहिए, उनको आशीर्वाद से ही हम संसार में फलते फूलते रहते हैं। अगर पिता माता की आशीर्वाद मिले ना, अगर तुम्हारी भाग्य में अगर कोई उल्टा पुल्टा कोई चीज हो, पिता माता की आशीर्वाद में इतने शक्ति है, उनको जो अगर उल्टा पुल्टा अगर लिखा हुआ हो तुम्हारे कपाल में ठाकुर जी मिटा देते हैं। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके जितने बच्चे हैं अपना पिता माता की चरण छुआ करना, और जितने बहुएं हैं किसकी चरण छुओगे, सास ससुर की चरण सेवा करना। देखो ध्यान देकर सुनो, जितने बहुएं अच्छे तरह होंगे, जैसे मानो तीन भाई है, कितना भाई है, तीन नहीं तो दो भाई हो, एक बहू क्या करती हैं सवेरे उठ करके सास ससुर की चरण छूती हैं, सेवा करती हैं, घर का जितने सोने चांदी किसको पास में रहता है बोलो, अरे बोलो किसको पास में, सास को पास में रहती ना। अगर जो बहू सास की सेवा करेगी, जब बंटवारा होगी तो बहू क्या करेगी, पहले उठा करके जो सेवा करती है ना कुछ उठा कर दे देगी, बोले तू रख ले, अभी बंटवारा होगी ना आधा आधा, और तू इतना मेरी सेवा करती ले तो उसको तू रख ले। इसलिए अगर सास ससुर की सेवा करोगे ना, लाभ ही लाभ है, हानि उसमें है नहीं। इसलिए क्या करनी चाहिए, सास ससुर की खूब सेवा करनी चाहिए, और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ बढ़िया रहेगी। अभी सबके सब बधाई दे रहे थे लाला को, सबके सब बधाई दे रहे थे, इतने में सारे ब्रजवासी आ गए, लेकिन अभी केवल दो व्यक्ति नहीं आए। बोले कौन नहीं आए, एक विश्वभानु महाराज और कृतिका सुंदर। कहते ये कौन है, बोले राधा रानी के पिताजी और माता जी। कहते नंद बाबा को साथ में इनकी बड़ी मित्रता थी, हैं हर उत्सव में नंद बाबा अपना घर में बुलाते थे और वृषभानु महाराज अपना घर में बुलाते थे। अभी वृषभानु महाराज कृतिका मैया अभी आई नहीं, कहते अगर ये दोनों आ जाए ना ये नंद महोत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते वृषभानु महाराज और कृतिका सुंदरी उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही इतने में एक गोप ने मैया कृतिका सर पर तीन चार मटकी, एक मटकी में दूध, एक में दही, एक में घी और एक में मिश्री लाई थी, एक गोप ने के डंडे लेकर गया और वो मटकी को जोर से मारे, हे मारते ही मटकी फूट गई। कृतिका मैया तो दूध दही से स्नान कर लिया और एक दही में घी और हल्दी मिला करके एक दूसरों को पर लगाते हैं, जिसको कहते दही का आदि। अभी एक दूसरों को पर लगा रहे थे और वहाँ पर इतना दही दही फैल गया ना, एकदम किच किच हो गया, एक दूसरों को प्रेम फिसल फिसल कर गिर रहे थे और सबके सब गा रहे थे, बोले नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की।
सब गा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन वहाँ पर एक बड़ी बूढ़ी गोपी आई थी जिनका उम्र थी इतना 100 साल की बुढ़िया, जिनकी एक भी दांत नहीं थी। वो तो ऐसे देख रहे थे, बोले बाबा रे नंद महोत्सव बड़े जोर की हो रही है। और वहाँ पर जो मक्खन की डेले के डेले उठा उठा करके एक दूसरे को पर फेंक रहे थे, एक गोप ने क्या किया कि मक्खन की डेला उठाई और जो माता जी थी ना उसका एक भी दांत नहीं थी और उसका मुंह पर नजर करके उनने जोर से मारे, अरे मारते ही उसका मुंह में लगा तो एक तो दांत थी नहीं, वो सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। इतने नहीं, नंद बाबा मटक मटक कर देख रहे थे, इतने में जितने ब्रजवासी थे ना नंदगांव बरसाना की, बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है, अरे आज का दिन पूरा तो उसको फुमुक लगा ले, सर नाच कर ले। अरे उनको पकड़ करके भरी सभा में उनको पकड़ करके ले आए और उन्होंने कमर में फेटे को बांध कर रखे थे। और नंद बाबा का जो आंगन थी बहुत बड़ी आंगन जिसमें दूध दही से एकदम भर गया था। अभी श्री नंद बाबा को उन्होंने किया क्या, पकड़ करके उसको बीच में खींच करके ले आए और एक तरफ से नंदगांव के गोप, दूसरे तरफ में बरसाना की गोप, दोनों तरफ में पकड़ करके रखी। ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल हम लोग ने सुना था लवण समुद्र मंथन हुई, सबसे पहले 20 निकला जिसको भोले बाबा पान करके गले में धारण किया तो जिनका नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोले श्री नीलकंठ महादेव की, इसलिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या निकला, बोले नंदस्तो आत्मद जाता नाद महामना। यहाँ पर तो साक्षात आनंद कंद कृष्ण यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए। और वहाँ पर कितना रत्न निकला था, बोले 14 रत्न। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, कृष्ण जब जन्म हुए नंद बाबा इतने दान दक्षिणा किया, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात को दान किया ना, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध कर ले नहीं पा रहे थे, गठली की कोड़े से गिरते गिरते सोने हीरे जवाहरात जा रहा था, एकदम रोड में बिखर रहा था। और ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी अली गली में नाच रही हैं। और वहाँ पर श्री भोले बाबा भी आए थे। अब बताओ भोले बाबा का वाहन कौन बोले हाथ उठा, भोले बाबा का वाहन कौन बोलेगा, जोर से बोलो नंदी। पिछले नंद बाबा तो 20 लाख गैया दान दिया, शंकर तो चक्कर में पड़े, डर गए, बोले क्यों, बोले इतने गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो भूल से मेरी जो नंदी को अगर दान में दे देंगे ना फिर तो मैं बैठ कर किसके में जाऊंगा। इसलिए शंकर जी तो नंदी को पूछ को पकड़ लिए। इतने में वहाँ पर माँ पार्वती भी आई थी, उनको भी 2 लाला हैं। कौन कौन पार्वती के 2 लाला बोलो, गणेश और कार्तिक। कहते ना हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया। वो इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे, बोले भैया हाथी घोड़े देते देते मेरा भी एक बेटा हाथी जैसे गजानन है ना, उसका मुंह कैसे गणेश जैसे, अगर मेरे लाला को भूल से अगर दे दिया तो मेरे लाला ही चला जाएगा। उसने तो गणेश जी की गोद में लेकर चुपका करके खड़ी हुई थी, मेरे लाला को दान में नहीं दे थे। और वहाँ पर स्वयं कुबेर कौन है, स्वर्ग के जितने सारे धन दौलत के जो मालिक हैं। इसलिए कुबेर भी लज्जित हो गए, बोले क्यों, बोले आज नंद बाबा इतने धन दौलत दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास में भी तो इतना नहीं, ठाकुर जी मेरे को क्यों झूठ मूठ का कुबेर बनाए, इतने उन्होंने दान दक्षिणा दिए। और सारा दुनिया नाच रहे हैं गा रहे हैं, अब सबके सब बोल रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी प्रभु जी बधाई गाएंगे, देखो भगवान जन्म लेंगे ना, ठाकुर जी जन्म लेंगे, आज नंद महोत्सव है, अगर ये नंद महोत्सव में जो बार नाच लेगा ना उसको 84 लक्ष्य में नाचना बंद खत्म। इसलिए आप देखेंगे कौन कौन गोपी नाच रहे हैं, एक बार खड़े हो जाओ सब लोग, बंद हो गया होगा। Oh, my God.
पावन की जय गोकुल मारग धारी की जय जय नंद महो I'm
Oh, my God.
Yeah.
बच्चों को ना पीछे अरे बच्चों सुनो सुनो इधर सुनो बच्चों तुम लोग पीछे चले जाओ अभी राधा रानी जन्म लेगी फिर चकलेट मिलेगा ये बच्चों को पीछे भेज दो ये बच्चों को पीछे भेज दो एक बार हाथ उठा लो प्रभु जी ये बच्चों को पीछे भेज पीछे सारे पीछे पीछे चले जाओ बोले एक बार हाथ उठा लो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे के बच्चों को उठा दो यहाँ से सामने से हटा दो बच्चे खड़े हो जाओ पीछे जाओ बच्चों को उठाओ यहाँ से बोले एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम ओम ज्ञान तुरंभस्य ज्ञानंजन समाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 मैं ये कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो बच्चे जवाब देंगे ना मैं उनको कॉफी और बिस्कुट दूंगा ठीक है शांति से सुनो बिल्कुल हरे कृष्णा सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्री भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग जन्मत प्रणाम अर्पित करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन सभी के चरणों में मेरे यथाओं की जन्मत प्रणाम अभी कुछ दिन पहले जब मैं नगर संकीर्तन हो रहा था तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि इस गांव का नाम क्या है उन्होंने बताया इस गांव का नाम सोरखा है तो मैंने पूछा कि यहाँ कितने लोग रहते हैं कितने परिवार हैं तो उन्होंने बताया यहाँ 10,000 परिवार हैं मैंने 10,000 परिवार इतना बड़ा गांव और मैंने देखा लेकिन भागवत में 400-500 परिवार आ रहे हैं सारे परिवार नहीं आ रहे 10,000 तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो उन 10,000 परिवार में से आप जो लोग आए हो आप बहुत भाग्यशाली देखो मैं कोई ये प्रशंसा नहीं कर रहा आपकी कोई मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है मैं कोई पॉलिटिशियन नेता नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की बड़ाई करूँ इसके लिए वोट के लिए या कोई मैं बिजनेसमैन भी नहीं हूँ कि मुझे भैया इतना बड़ा गांव है कोई बिजनेस करना हो है ना इसलिए मैं आपसे कोई मेरा कोई स्वार्थ हो है? मैं कोई अपने कार्य बनाने भी नहीं आया कि मैं आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करूँ है ना और आपसे धन ले लूँ ठीक है मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं आपसे तब भी मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ क्या किस क्यों बताना चाहता हूँ एक परमार्थ होता है ना परमार्थ हम सब लोग करते हैं किसी न किसी रूप में वैसे तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है सब काम स्वार्थ के लिए होता है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना स्वार्थ की भी होती हैं अभी बहुत साल पहले की बात है जब मैं छोटा था ना मेरी माता जी के ना घुटने में दर्द हुआ बड़ा दर्द हुआ और वो चल नहीं पा रही थी बड़ी मुश्किल से वो हम लोगों के लिए खाना पीना रोटी बना पाती थी हमें बड़ा दुख होता था जगह जगह हमने डॉक्टरों को दिखाया यहाँ वहाँ सब एक्सरे कराया सब कुछ कराया कुछ नहीं हुआ तो मेरी माताजी हमेशा लेटी रहती थी बेड पे तो हमारी पड़ोस में एक माताजी आई उन्होंने पूछा माताजी क्या हुआ क्या हो गया तो उन्होंने बताया कि भैया मेरी माता ने बताया ऐसी ऐसी बात है उन्होंने कहा बस इतनी सी बात कल मैं एक काम करूँगी आपके लिए दवाई लेके आऊँगी हमारे पड़ोस में एक गाँव है वहाँ एक वैद्य बैठते हैं वो बड़ी अच्छी दवाई देते हैं और वो गए उन्होंने एक दवाई लाए और मेरी माता को दी और मेरी माता अगले दिन ठीक हम उन माता को बड़े प्रसन्न हुए उन माता पे बड़ा उन्हें हमें याद किया बड़ा धन्यवाद दिया हमने उन माता को हमने कहा पैसे ले लो उन्होंने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं लेंगे उन्होंने पैसे भी नहीं लिए बिना स्वार्थ के उनका कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था कि उन्होंने डॉक्टर से उनकी जान पहचान थी कि भैया मैं तुम्हारे यहाँ की
दवाई बिक्री करूंगी, कुछ नहीं। हम लोग भी ऐसा करते हैं कभी कभी, कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं हम लोगों को बताते हैं। हम सब लोगों के साथ होता है ना, कुछ माता जी होती है, अरे बट तू माता जी बड़ी गोरी कैसे हो गई, अरे मैं तो वो क्रीम लगा रही हूँ, है ना। फिर हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह मैं आपको बताया जाता हूँ, जो हरि नाम है ना, ये हरि नाम ये बहुत शक्तिशाली है। आज से बहुत साल पहले मैं भी ऐसे बैठा रहता था, जैसा आप लोग बैठे हो कथा सुनने के लिए, मैं पीछे खड़ा रहता था। तो मैं भी एक कथा में गया, मैंने सुना हरि नाम की महिमा, है ना। लेकिन मुझे क्या विश्वास था, एक चीज़ थी विश्वास, मैंने सुना हुआ हरि नाम की महिमा। अभी मैं हरि नाम की महिमा बताने लगूँ तो 7 दिन के सप्ताह हो जाएगा पूरा, इतनी महिमा है इस हरि नाम की। तो जब मैंने सुना कि हरि नाम की महिमा, तो इतनी महिमा हरि नाम की, अभी मैं बताऊंगा क्या महिमा है हरि नाम की। तो एक हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, जो हरि नाम है ये, इसकी महिमा भक्तों ने बताई है क्या, भगवान ने भी कभी बताई है अपने नाम की महिमा? तो जैसा कि कल गुरुदेव बता रहे थे, हम थोड़ा आज रामायण से भी लेंगे, तो मैं रामायण की बात बताता हूँ। देखो बड़ी अच्छी स्टोरी, ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। एक बार तीन माताएं बैठी हुई थी, तीन माताएं, पहली थी भगवान श्री राम की माता। कौन है भगवान श्री राम की माता? कौन? कौशल्या। बच्चे ने सही जवाब दिया, से बिस्कुट मिलेगा, बाकी भी सुन लो, चुपचाप रहो। दूसरी माता बैठी थी हनुमान जी की माता। कौन हनुमान जी की माता? अंजनी। तीसरी एक माता बैठी थी, वो थी अगस्त ऋषि की पत्नी। कौन है अगस्त ऋषि की पत्नी? कौन बताएगा? लोपा मुद्रा। क्या है? लोपा मुद्रा। याद करो, बड़ी चीज स्टोरी है, आप सुना सकते हो किसी को भी। तीन माताएं बैठी हैं। अब माताओं का कुछ क्या स्वभाव होता है जब बातें करती हैं? तो पहले ज़माने में तो माताएं अपने पति, अपने पुत्र, अपनी बेटियों की तारीफ करती थी। वो अब थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है। तो अब सबसे पहले जो माता कौशल्या थी वो बोल पड़ी, कह रही तुम्हें पता है जो मेरे राम है ना, मेरा राम, उसने क्या किया? उसने जो समुद्र पे ना पुल बांध दिया, मेरे बेटे राम ने समुद्र में पुल बांध दिया, इतना बड़ा पुल समुद्र पे, बड़ा गर्व। तो तभी जो हनुमान जी की माता है अंजनी माता, वो बोल पड़ी कि बहन एक बात मैं भी बोलूँ। उन्होंने बोला हाँ बोलो। देखो बहन एक बात मैं भी बोलती, बुरा मत मानना, जिस समुद्र पे ना तुम्हारे बेटे ने पुल बनाया, उस समुद्र को तो मेरा बेटा एक ही छलांग में पार कर गया था। जय श्री राम। एक ही छलांग में मेरा बेटा पार कर गया था। अभी सुन के तो माता जो भगवान श्री राम की माता, तो चुप हो गई कि हाँ इसके बेटे की महिमा तो मेरे बेटे की महिमा से ज़्यादा है। अब वहाँ बैठी थी अगस्त ऋषि की पत्नी। कौन थी? हाँ इस बच्चे ने बताया, सभी बिस्कुट मिल रहा है। लोपा मुद्रा, ध्यान से सुनो। तो जब लोपा मुद्रा पर बैठी थी, उन्होंने कहा कि दीदी दीदी मैं भी कुछ बात कहूँ। उन्होंने कहा कहो। देखो दीदी बहन बुरा मत मानना, एक बात मैं भी कहती हूँ, तुम्हारे पुत्र ने उस समुद्र पे पुल बनाया और तुम्हारे पुत्र ने उस समुद्र को एक छलांग में पार करा, लेकिन मेरे पति है ना अगस्त ऋषि, उन्होंने उस समुद्र को तीन आचमन में पार कर लिया, तीन आचमन में पार कर लिया। अब सोच के ना माँ कौशल्या तो सोचना पड़ेगी, तो मेरे बेटे का तो कोई नंबर ही नहीं है, है? पहले सेकंड तो था, थर्ड आ गया। ये सोच के बड़ी दुखी हो गई कि मेरे बेटे का तो कोई नंबर ही नहीं है। अभी जब ये बात सुनी ना, तो वहाँ कौन आए? भगवान राम आए। जब वो वहाँ से जा रहे थे ना, उन्होंने देखा माता आप दुखी क्यों हो? तो माता ने बताया देखो बेटा ऐसी सी बात है, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी तो कोई तारीफ ही नहीं है ना। तो भगवान ने कहा नहीं माता, कभी तुम्हारे बेटे की ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई बड़ाई ना हो, है मेरा कोई मेरा नाम ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो भगवान ने बताया कि जो हनुमान जी थे ना, बोल दो जाके माता जी को, जो हनुमान जी हैं उन्होंने क्या करा, समुद्र को जो पार किया एक छलांग में, वो किसके बल पे किया? मेरे नाम के बल पे। क्या बोला? जय श्री राम, और समुद्र पार कर गया। ठीक है, और बोल दो लोपा मुद्रा जी से कि उनके जो पति देव है ना, उन्होंने तीन आचमन में जो समुद्र पार किया, वो कैसे कैसे पिया? मेरा निस्मरण करके, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो किसकी महिमा हुई? नाम की महिमा। तो भगवान ने बता रहे कि मेरे से बड़ा मेरा नाम, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। लेकिन देखो विश्वास होना बहुत जरूरी है, भगवान ने स्वयं बताया। अभी मोदी जी बोलते हैं ना कल से लॉकडाउन लग गया, सब घर में बैठ जाएंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं भैया मेरा तो नाम में सबसे ज़्यादा शक्ति है, मेरे नाम में सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो हम भगवान की बात क्यों नहीं मानते? मोदी ने अगर बोल दिया कल लॉकडाउन में सारा सब खाली,
लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे नाम में बड़ी शक्ति है, नाम करो, लेकिन विश्वास होना बहुत जरूरी है। साधारण चीज में भी विश्वास करेंगे ना तो उसका फल मिलता है। एक छोटी सी कथा, एक सास और बहू बड़ा लड़ते थे, बड़ा लड़ते थे, इतना लड़ते थे कि अड़ोसी पड़ोसी बड़े मजे लेते थे। तो एक बार जब बहू थी ना, उसे पता चला कि गांव में एक व्यक्ति माला करता है, जप करता है, तो उसने कहा जरूर उसके पास जाती हूँ, कुछ उसके पास सिद्धि होगी और वो मेरा कुछ कल्याण करेगा। बहू बड़ी परेशान उनके पास गई कि बाबा बाबा ऐसी बात है कि मेरी सास बड़ी मुझसे लड़ती है, कुछ ऐसा करो कि मेरी सास जल्दी मर जाए। तो भैया उन्होंने कहा भैया मैं तो संत हूँ, उन्होंने सोचा मैं तो ऐसे काम करता नहीं। उन्होंने कहा नहीं मैं चलो तुम्हें एक चीज़ ऐसी देता हूँ कि जिससे तुम्हारी जो सास है ना तुम्हारे बस में हो जाएगी। बहू ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, बेटा तो मेरे बस में है ही है, सास भी मेरे बस में आ जाएगी। उन्होंने कहा हाँ मैं सब करूँगी, बताओ क्या करना है। तो बैठे बैठे तो उन्होंने क्या करा, एक डब्बे में से बहुत सारा एक सफ़ेद रंग का भूति उनको दी कि ये लो, जब भी तुम्हारी लड़ाई हो ना तुम्हारे सास से, एक चम्मच मुँह में रख लेना इसको, सफ़ेद पाउडर को, ये भूति है इसको मुँह में रख लेना, लेकिन एक शर्त है, मुँह अपना बंद रखना, दूसरा गुस्सा मत करना, ठीक है, और 21 दिन बाद तुम्हारी जो सास है ना तुम्हारे बस में आ जाएगी। बहू बड़ी खुशी, चलो अच्छी बात है, वो पैकेट लेके घर आ गई। अब अगले दिन जैसे ही सांस ने कुड़कुड़ कुड़कुड़ हुई, उसने फटाफट गई छुप के मुँह में एक चम्मच भर के रख लिया और चुप, और सांस बोलती रही। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 10 दिन हो गए। अब सांस के लोगों की मीटिंग होती है ना, सांस और बहू की अलग अलग मीटिंग होती है। मेरी सांस ने कहा था तो मैंने उसको ये जवाब दिया, बहू के हैं, सांस कहती है मेरी बहू तो ऐसी मुझे ऐसे जवाब देती है। अब वो जाए मीटिंग में तो चुप हो जाए, सब पूछते थे तेरी बहू ने क्या कहा, अब उसके पास तो कुछ कहने के लिए नहीं, उसकी बहू तो कुछ कही नहीं रही। अब उसके मन में विचार है मेरी बहू बहुत अच्छी है, सबकी बहू है कुछ ना कुछ कहती है, मेरी बहू कुछ नहीं कहती, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ये मेरा ध्यान रखेगी है। अब मैं एक काम करती हूँ, कल से अपनी बहू का भी ध्यान रखूँगी। वो सुबह उठी, तेरी बेटी बेटी आज के बाद हम मिल के काम करेंगे, झाड़ू तू लगाएगी, पोछा मैं बनाऊँगा, रोटी तू बनाएगी, सब्जी मैं बनाऊँगी, है तू घर का काम देखेगी, बच्चे मैं संभालूंगी। बहू कह रही भाई इतनी जल्दी असर हो गया, अभी तो 10 ही दिन हुए, अभी तो 11 दिन बाकी है, तो बड़ी जल्दी असर हो गया है। अब धीरे धीरे सब सही हो गया उनके घर में, बड़ा अच्छा से मिल बांट के रहने लगे। बहू ने देखा कि माँ जो मेरी सास है बड़ा अच्छा काम कर रही है, मेरे बच्चों को संभाल लेती है, मेरी सारी टेंशन तो वही रख लेती है, है? मैं तो इन्हें मरवाना चाह रही हूँ। अब उन्होंने देखा वो पाउडर तो आधा बचा हुआ है भगूती, उन्होंने कहा भाई 11 दिन की बच्ची मैं किसी और को दे आती हूँ, वापस संत को दे आती हूँ, कम से कम किसी और का भला हो जाए। तो संत के पास गई कि ये लो बाबा ये तो इतनी मेरी बच गई है, मेरी सांस तो बहुत अच्छी हो गई है। अरे बाबा कैसी भगूती थी? तो बाबा ने कहा भगूती नहीं थी, एक टाटा नमक था, भगूती नहीं थी टाटा नमक था, लेकिन उसका विश्वास था कि बाबा ने भी भगूती है। उन्होंने कहा बेटी, उन्होंने कहा मेरी सांस चेंज कैसे हुई इतनी जल्दी? उन्होंने कहा भैया इसलिए चेंज हुई हो तेरी सांस क्योंकि तू मुँह में जब नमक डाल लेती थी मुँह बंद रखती थी। लड़ाई कब होती है? जब दो आदमी कुड़कुड़ कुड़कुड़ करे, जब एक आदमी बोल रहा है एक चुप है और वो दूसरा आदमी कुछ कह ही नहीं रहा तो लड़ाई होगी नहीं। तो देखो ये क्या विश्वास, एक साधारण नमक से सारे रिश्ते सुधर गए, है ना। तो जब अगर हरि नाम करेंगे, जब भगवान के नाम में विश्वास होगा जो असली में काम कर सकता है तो उसमें क्यों नहीं होगा। एक हमारे प्रभु जी थे, वो हमारा एक संस्था है चैतन्य गौड़ी मठ, तो वो हिमाचल में रहते थे, सच्ची बात है बिल्कुल। तो वो जो हिमाचल में रहते थे वो अपने घर जाते थे हिमाचल, तो हिमाचल में पहाड़ी एरिया है तो मिनी बसें चलती हैं वहाँ, तो वो जा रहे थे तो उन्होंने नया नया हरि नाम लिया था, जैसे आप लोग बैठे ना कथा में तो वो भी कथा में आए थे, तो हमारे हम जैसी कथा में उन्होंने सुना भगवान के नाम की महिमा, वो आए गुरु जी के पास आए, उन्होंने जप लिया कि मुझे माला दो, तो उन्होंने गुरु जी ने माला वाला दी, कहा कि जब भी खाली टाइम मिले तो माला करना। अब वो बस में बैठ के जा रहे थे तो अचानक क्या हुआ, बस का जो ड्राइवर था ना उसकी आँख लग गई और बस खाई में गिर गई। तो जब बस खाई में गिर गई थी उन्हें ध्यान आ रहा था कि वो माला कर रहे, लेकिन वो बेहोश हो गए। जब आधे घंटे बाद उन्हें होश आया ना तो उन्होंने देखा जो खाई में पेड़ है ना, पेड़ में उनकी सीट और उनके बगल में एक छोटी बच्ची बैठी थी, उसकी सीट ही सिर्फ पेड़ में टंगी हुई थी और पूरी बस नीचे खाई में गिरी हुई थी। सारे लोग मारे गए लेकिन वो बच गए, सारे लोग मारे गए लेकिन वो बच गए। क्यों बच गए? वो क्या कर रहे थे? भगवान का नाम कर रहे थे। तो भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। सारे लोग मारे गए लेकिन और बच्ची भी बच गई। क्यों बच्ची बच गई? क्योंकि बच्ची उनके साथ थी।
अगर हम में से कोई अगर कोई भी भगवान का नाम ग्रहण करता है ना, तो हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे सबका कल्याण होगा, इतनी शक्ति है हरि नाम में। और अगर अगर हमारी श्रद्धा नहीं है ना, तो क्या होगा? जब विभीषण जी को राज्य मिला ना लंका का, जब रावण मर गया था, तो विभीषण जी जब राजगद्दी में बैठे, उन्होंने पूछा कि भैया कोई ऐसा है व्यक्ति जो रावण के पक्ष में हो, जो जिसको पसंद रहा हो मेरा राजा बनना, तो जा सकता है। तो एक राक्षस बोल पड़ा कि महाराज मुझे पसंद नहीं है, मैं रावण का परम भक्त हूँ, और रावण नहीं तो मैं इस लंका में नहीं रहूँगा। तो विभीषण जी ने कहा ठीक है, आपके व्यवस्था कर देते हैं, आपको पूरा धन सम्मान दे के हम लंका से भेज देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया लंका पार कैसे कराएं? राम सेतु तो बना था, लेकिन राम सेतु में सिर्फ भगवान के भक्ति चढ़ सकते हैं, दैत्य लोग नहीं जा सकते। तो विभीषण जी ने क्या किया, एक पत्ता लिया, उसमें कुछ लिखा और उस फोल्ड करके उसे राक्षस को दे दिया, ये लो, लेकिन एक शर्त है, तुम जब इस पर चलोगे ना समुद्र पे, तो इसे खोल के मत देखना, पानी तुम्हारे टखने से ऊपर नहीं आएगा, पैरों में ही रहेगा। तो राक्षस ने कहा ठीक है, विभीषण जी बोल रहे हैं तो भैया होगा। अब वो चलने लगे, जो राक्षस है ना वो समुद्र में चल रहा है, उसने पत्ता हाथ में पकड़ा हुआ है। अब उसके मन में इच्छा हुई कि मैं थोड़ा खोल के देखूँ, लेकिन नहीं नहीं विभीषण जी ने बोला खोलना मत, लेकिन उसने कहा चलो खोल के देख लेता, हल्का सा खोलूंगा और बंद कर दूंगा। उसने हल्का सा खोला तो देखा, अरे इसमें तो श्री राम लिखा हुआ है। क्या हुआ? श्रद्धा टूट गई, उस समय वो समुद्र में डूब के मर गया। तो देखो भगवान के नाम में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है ना, श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो मैं आप सब लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया मैंने जो नाम लिया है ना, मुझे फायदा हुआ है। मैंने बताया ना कि जैसे कि हम मेरी माता को फायदा हुआ था, तो हमारा क्या स्वार्थ था? कुछ उनका कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं कि उन माता जी की वजह से मेरी मम्मी का, मेरी माता जी का पैर का दर्द सही हुआ था, है ना। तो अगर आप जैसे हरि नाम लोगे, कल को आपको फायदा होगा ना, आप ही ध्यान करोगे, हाँ कुछ लोग आए थे वृंदावन से आए थे, हमें भी फायदा हुआ। ये हरि नाम है ना बड़ा शक्तिशाली है। ये कैसे है हमारी जो लाइफ है ना, अरे लाइफ में कैसे हमारी बहुत प्रॉब्लम है, हर किसी की लाइफ में बड़ी समस्या है। मतलब समस्या कैसी, उबड़ खाबड़ ऐसी हमारी घर की स्थिति, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा हम परेशान ही रहते हैं। हर व्यक्ति कोई ना किसी कारण से परेशान होगा। तो भैया हरि नाम क्या करेगा, परेशानी हटा देगा? नहीं। कैसे क्या करेगा? जैसे कि एक रोड, उसमें बड़ी उबड़ खाबड़ है, स्पीड ब्रेकर है, उस पर ऑटो से जाओ, क्या होगा? बड़े धचके लगेंगे, है ना, पूरे अंजन तंजन हिल जाएंगे बॉडी के, बड़ा दर्द होगा। लेकिन उसी रोड पे अगर हम किस पे जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे ना, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, रोड वही होगी लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। तो उसी तरह जब हरि नाम करेंगे ना, कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, वो क्या होगा, हमें पता नहीं चलेगी। लेकिन भाई प्रश्न ये होता है कि माना लेनी कहाँ से? आजकल हम देखते हैं टीवी में जगह जगह बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, तो माना ले कहाँ से भैया, है ना। हम सोचते हैं कि ये बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बड़े लोग बैठेंगे तो वहाँ से लेनी चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं भी सोचता था, मैं भी जगह जगह जाता था, जगह जगह प्रोग्राम में, बड़े बड़े प्रोग्राम में पहुंच जाता था, अरे जिन जहाँ बाबा के दर्शन नहीं होते थे वहाँ पहुंच जाता था कि शायद यहाँ भैया अच्छा हरि नाम मिलता होगा, है ना, ये भगवान का नाम देंगे सही से। लेकिन नहीं, फिर मैं वृंदावन गया, मैंने वहाँ देखा, संतों का संग किया, वहाँ पता चला शास्त्रों से कि चार संप्रदाय, सिर्फ चार संप्रदाय से ही हरि नाम लेना चाहिए और कहीं से नहीं लेना चाहिए। कौन से चार संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू हुआ, चार कुमार संप्रदाय जो चतुर्संग से शुरू हुआ, और रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से शुरू हुआ। ये चारों संप्रदाय कहाँ मिलते हैं? भगवान कृष्ण से। बताया इनके अलावा अगर आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा लोगे, हरि नाम लोगे, तो निष्फल हो जाएगा। जैसे मैं एक बार, अभी मेरा फोन है ना जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था, तो मैंने कहा लाइव कैसे करूँगा, तो मैं एक पावर बैंक लेके आया, पावर बैंक लोकल कंपनी का, और मैंने उसे रात भर फोन में लगा के रखा, ठीक है। सुबह देखा तो जितनी मेरी बैटरी थी उतनी की उतनी, तो चार्जिंग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चार्ज? तो लोकल कंपनी का था। उसी पर हरि नाम है ना, हरि नाम अगर हम कहीं इधर उधर से ले लेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे पहले थे वैसे ही रहोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हरि नाम कहाँ से लोगे? शुद्ध वैष्णव परंपरा से। मेरे पे गुरुजी की बहुत अच्छी कृपा हुई, मैं एक बार गया था गुरुजी के प्रोग्राम में, पहले मेरी श्रद्धा नहीं थी किसी में,
मैं नहीं देखता था कहाँ कैसे लेना है कहाँ लेना है। तो गुरु जी का प्रोग्राम हो रहा था न्यू अशोक नगर में, वहाँ गया मैं तो मैंने गुरु जी की हरी कथा सुनी है ना। फिर मैंने जाना कि गुरुदेव कहाँ से, पता चला है तो हमारे संप्रदाय से जुड़े हुए। तब मैंने ये भगवान का हरिनाम उनसे ग्रहण किया। और आप यकीन नहीं मानोगे मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई। कैसी परेशानियाँ, जैसे आप किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हो जाओगे ना, बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची लगेगी, ऐसी परेशानियाँ। अब ये बताओ परेशानियाँ कम कैसे होंगी, क्या बिल्डिंग छोटी हो सकती है? हो सकती है। आप हवाई जहाज में बैठ जाओ, हवाई जहाज से देखोगे बिल्डिंग कैसी लगेगी, छोटी। तो आपका हमारा क्या स्तर बढ़ जाएगा, जब हम भगवान का नाम करेंगे ना, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ हमें छोटी नजर आएगी, छोटी। सारी जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को, मेरा आप सब लोगों से विनती है कि भैया कल आप सब लोग, जिन लोगों ने हरिनाम नहीं लिया है, आप देखना इस्कॉन टेम्पल है ना, हमारे एक संप्रदाय है वृंदावन में, वहाँ देखना विदेशी लोग आते हैं सारे, महाराज जी भी अमेरिका, लंदन, जापान, फ्रांस, अभी हमारा चैनल है उसमें देखना, महाराज जी पूरे वर्ल्ड में जाते हैं और पूरे वर्ल्ड के विदेशी लोग यहाँ आते हैं, है ना, सारे विदेशी लोग आते हैं। विदेशी लोग की एक खासियत है, वो कभी भी किसी चीज़ में ऐसे बिलीव नहीं करते। मैं अगर बोलूँगा ना भाई नारियल है, वो नहीं मानेंगे नहीं, वो तो देखेंगे। मैं बोलूँगा इसके अंदर पानी है, वो मानेंगे नहीं, वो उसको तोड़ेंगे, देखेंगे, खोलेंगे, तब मानेंगे। तो जब उन्होंने गोभी से सुनते हैं ना कि भगवान के नाम की महिमा है, वो ऐसे नहीं मानते, वो कहते ठीक है हम जांचेंगे परखेंगे, कहते पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले वो देखते हैं कि हाँ भाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो वो सारे लोगों को फायदा हो रहा है, विदेशी सारे विदेशी यहाँ जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाओ तो भी देखो इतने सारे विदेशी क्यों आ रहे हो, उनको कोई जबरदस्ती नहीं ला रहा, लाख लाख रुपए टिकट दे के, वो लाखों रुपए टिकट दे के यहाँ आ रहे हैं दर्शन करने, और हम ये लेके नहीं जा रहे, वो लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं और एक एक महीने रहते हैं, जब जाते ही रोते हैं कि हम क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कुछ मिल रहा है ना अभी, तो कुछ है, बात तो है, कुछ शक्ति तो है तभी, है ना। तो मैं आप सब लोगों से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग, अभी आप लोगों पे अवसर है, आप याद करोगे देखना, मैं बता रहा हूँ, जैसे माता जी को हम याद करते ना, जिनकी कृपा से मेरी माता का घुटने का दर्द ठीक हुआ, तो वैसे ही आप लोगों की जीवन की परेशानी ठीक ना हो जाए तो मुझे बोलना, सब कुछ ऐसा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, सिर्फ भगवान के नाम में विश्वास करना पड़ेगा। सारे युग में सारे शास्त्र सभी एक ही बात कह रहे हैं, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक ही उपाय है भगवान का नाम। गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या तीज, भ्रम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। एक बीज है ना, आप लोगों ने खेती की होगी कभी, बीज कैसे डालते हैं देख के, अरे उल्टा सीधा नहीं, कैसे डालते हैं, फेंक देते सीधा, जैसा मर्जी पड़ जाए, लेकिन उसका फल कैसा होगा, उसका पेड़ कहाँ होगा, ऊपर ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि बीज उल्टा पड़ा तो नीचे जाएगा जमीन में, ऐसा होता है नहीं, वो ऊपर ही आएगा। उसी तरह हमारा जो स्तर है ना, हमारे हरिनाम करने से हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा, जिंदगी की सारी परेशानियाँ सब खत्म हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगी, बड़े से बड़ी परेशानियाँ, बड़े से बड़ा दुख सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आप सब विनती है, अभी गुरुदेव यहीं है और कालू प्रभु जी जो आप रहेंगे, काल जो ये कथा का आयोजन करा रहे हैं, सुबह आपको खाली पेट आना पड़ेगा, थोड़ा एक छोटा सा नियम देखो, बहुत जगह आप हरि नाम तो मिल जाएगा, अरे क्या खाते हो, लहसुन प्याज मांस खाते हो, लो लो ले लो, नहीं ऐसा नहीं लेना, बिल्कुल संप्रदाय में नियम, बिल्कुल नियम से। हमारे यहाँ दो तरीके से माला मिलती है, एक होता है जो लहसुन प्याज खाते हैं उनको हम एक प्रैक्टिस जप माला देते हैं, मतलब नीम की माला, ताकि उनके भगवान का नाम लेते रहने से असर वो भी करेगा, ऐसा नहीं है, पूर्ण रूप से असर कब करेगा, जब आप लहसुन प्याज छोड़ दोगे, है ना, मांस मछली ये सब छोड़ दोगे, उसके बाद आपको तुलसी मिलेगी, तुलसी की माला, तुलसी की ये तो ज़्यादा असर करेगी, तो वो हम आपको बताएंगे कैसे क्या क्या फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। आप नॉर्मली अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हो तो भी माला ले सकते हो, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कहाँ से लेना है, संप्रदाय से, ऐसा नहीं बाहर से नहीं, कहीं से। मैं भी पहले बाहर बहुत जाता था, बहुत कथाओं में गया, बहुत जगह मैंने लिया, कहीं फ़र्क नहीं पड़ा, मैं भी ऐसी पहचान लोगों की तरह बैठा रहता था, कहीं फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं यहाँ है ना संप्रदाय में, असली संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय, तब मुझे पता चला हरि नाम की महिमा। और आप देख लो मैं कहाँ बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ मैं, ये सब किसका फल है, नाम का फल है। तो मेरी आप सबों से विनती है कि आप सब लोग अपना भी, अपने पड़ोसी, अपना कल्याण करना, कुछ माताएं तो ले गई है ना, आपके पड़ोसी पड़ोसी कुछ तो ले गए हरि नाम, वो अभी बताएंगे नहीं, बाद में आप देखोगे अरे मेरे पड़ोसी का तो भला हो रहा, मेरा तो भला ही नहीं हो रहा है, फिर कहाँ ढूंढोगे। इसलिए कल आप सब लोग जो भी हरि नाम लेना चाहता हो, हम में से किसी से भी बात कर लेना,
और वहाँ जाना, ठीक है? तो ये बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। अभी आप लोगों ने श्रवण किया है कैसे भगवान कृष्ण गोकुल में नंद के लाला बन करके ठाकुर जी कैसे जन्म हुए। अभी जब जन्म हुए इतने में पुतना मासी आ गई। कंस ने जब वो बच्चे को लेकर के जो पछाड़ने के लिए गया, इतने में वो आकाश में उड़ गई बच्ची। अष्टक भुजा धारण करते हुए बोली, बोले रे मुड़ा कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। इतने में कंस दिखा, ये तो मेरी कुलदेवी, ये तो कभी झूठ बोलेगी नहीं। फिर सारे अघासुर बकासुरों को बुलाए, बोले बताओ अभी हमें क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया क्यों चिंता करते हो, मेरा नाम पुतना। पुतना मतलब क्या? पूतना। पूत मतलब होता है पुत्र, ना मतलब नहीं। जिनका पुत्र नहीं, फिर पूत का क्या जरूरत है? बोले बहन जल्दी जल्दी एक महीना के अंदर में जितने कहीं बच्चे जन्म लेंगे उसको मार डालो। इतने में पुतना कहाँ आ गई? बोले ब्रज में आ गई। जब ब्रज में पुतना आ गई, इतने सुंदर खन बन करके आई थी, ऐसे लग रहा था मानो जानो ठाकुर जी गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं ठाकुर जी को स्वागत करने के लिए पुतना आ गई और सीधा अंदर में चली गई। और मैया जसोदा और श्री रोहिणी कृष्ण को पलने में झूला रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो सिद्धाई, कोई बोल चाल नहीं, सीधा कृष्ण को पकड़ लिए। बोले मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। जब उनने गोद में उठा लिया ना, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दी। बोले कृष्ण क्यों आंख बंद कर दी? हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई, ध्यान देकर सुना। कल आज मैं बोलूँगा, कल आपसे सुनूंगा, और जो बोलेगा ना मैं इसको इनाम दूंगा, इसलिए मैंने देख रहे सुना। कृष्ण क्यों आंख बंद कर दी? पहला कारण थी कृष्ण आए क्यों? बोले कृष्ण इसलिए आए दुष्टों को विनाश करने के लिए, संतों को रक्षा करने के लिए। कृष्ण सबसे पहले पुतना को मारे, और भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? कौन बोलेगा हाथी का? भगवान राम सबसे पहले किसको मारे? तारका को मारे। और कृष्ण किसको मारे? पुतना को मारे। इसलिए ठाकुर इसीलिए आए दुष्टों को विनाश करने के लिए। ठाकुर पहला बार अभी पुतना को श्री गणेश घर में जा रहे हैं, श्री गणेश घर में जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर मारने पड़े भी ना, ठाकुर की बड़े दयालु बड़े कृपालु जानते हैं कि तो माँ की रूप लेकर के आई अभी तो, लेकिन मैं इसको मैं मारूंगा। मारने पर अभी ये छटपटाएगा, अब इसका छटपटा हाथ को मैं कैसे देख सकती हूँ? इसलिए कृष्ण ने क्या किया, आँख को उन्होंने बंद कर दिया। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बताए, पहले गोकुल में जितने बच्चे जन्म लिए हैं उनको मारने के लिए आई, लेकिन गोकुल में जितने बच्चे कौन हैं? बोले मेरे सब सखा सखी, दाम वसुदा मधुमंगल ललिता विशाखा राधा, ये सब मेरे सखा सखियाँ हैं। बोले इनको मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे आँख मैं तेरे मुख देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने आँख को बंद कर दी। तीसरा कारण है, कहते भैया जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवतनाई, लेकिन इसने पूर्व जन्म में इसे कौन सा पुण्य की जो को मेरे को गोद में उठा रही है? इसलिए मानो ठाकुर जी आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को देख रहे थे, उसने इसे कौन सा पुण्य किया? बोले सचमुच से
जब मैंने बामन अवतार लेकर के बलि महाराज का घर में गया था, इसी समय ये किसकी बेटी थी? बोले ये रत्नमाला श्री, जैसे बलि महाराज की बेटी थी हैं, इसलिए इसकी मन में इच्छा हुई थी अगर ऐसे एक लाला होता तो दिन भर में दूध पिलाती। लेकिन जब नागपास बंधन में बांध दिया, बोले तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं बीज पिलाऊंगी, वही रत्नमाला अभी बुतना बन करके आई। इसलिए इस सब कारण से ठाकुर ने क्या किया, आंख बंद कर दी। चौथा कारण बताए, भगवान को पेट को अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। अभी ठाकुर जी जहर पान करेंगे कि उस तन में कालकूट बीज है, अगर भगवान बीज पिएंगे तो भगवान के गर्भ में विश्व ब्रह्मांड सब ध्वंस हो जाएगा, सारा दुनिया डर गए। बोले ठाकुर जी स्तन मत पिया करो, इसके स्तन में केवल कालकूट बीज है। इतने में ठाकुर जी श्री भोले बाबा को याद किया, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों? बोले क्यों किया, तुम्हारा काम है बीज पीना, मेरा काम है दूध पीना, इसलिए आप बीज बीज को पी लो और मैं दूध दूध को मैं पी लेता हूँ। इसलिए इस सब कारण से क्या हुआ, भगवान आंख बंद कर दिए। इतने में भगवान जब उसका मुंह में स्तन दिया, भगवान स्तन क्या काम करेंगे, उसको प्राण को श्वसन की, उतना छुड़ाने के लिए कोशिश की लेकिन किसी तरह से छुड़ा नहीं पाई। बोले जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ ना, मैं तो कभी छोड़ना सिखा ही नहीं, जब तक अपना चरण में तेरे को स्थान नहीं दूँ। इतने में पुतना भयंकर रूप धारण करते हुए आकाश में उड़ चली। उड़ करके कहाँ चली, बोले कंस का, माता ने सब ध्यान देकर सुना, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। कंस का एक सुंदर बगीचा थी, सुंदर सुंदर फल फूल होता था। कंस का आदेश था यहाँ के कोई भी फल फूल कृष्ण और कृष्ण की भक्त की सेवा में लगनी नहीं चाहिए। बोले दुनिया को बनाया मैंने, दुनिया मेरा और मेरे सेवा मेरे भक्त के लिए लगेगा नहीं, इसलिए भगवान ने क्या किया, पुतना पूरा करके ले गई। और पुतना कितने बड़ी थी, बोले थ्री गब्यू थी, बोले बार भी इतने बड़ी। और उन्होंने उसी बगीचा में धड़ाम करके गिराया, और गिराया था ना जितने पेड़ पौधा को खत्म कर दिया। देखो माताएं, सात दिन तक कथा सुनोगे, एक चीज शिक्षा लेकर के जाओ, कम से कम एक शिक्षा लेकर के जाओगे ना, तुम्हारी जीवन ही बदल जाएगी। क्या जीवन बदल जाएगी, भगवान इसमें शिक्षा क्या देते हैं, कहते जो विश्व ब्रह्मांड बताओ किसने बनाया, ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक कौन है, बनाया किसने, बोला हम लोग ठाकुर ने बनाया। इसलिए उपनिषद कहता है ईसा वासम इदम सर्वम जत किंचा जगत जगत, जगत में जो कुछ देख रहे हो भगवान का जगत। फिर क्या करनी चाहिए, बोले जो कुछ खाओ उसको पहले ठाकुर को भोग लगाओ। घर में लड्डू गोपाल होगा ना, घर में राम होएंगे कृष्ण होएंगे, सबसे पहले उनको तुलसी पत्ता से भोग लगा ठाकुर जी को। कहले भोग लगाने पर क्या होगा, देखो कृष्ण खुद कहते हैं, बोले भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकर्णा। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो अपना लिए भोजन बनाते हैं और खुद खा लेते हैं और मेरे सेवा में मेरे भोग नहीं लगाते हैं, वो दाल सब्जी कैसे है, ये उपनिषद कहता है। बोले स्वान विष्टा समच अर्ण, वो रोटी साग सब्जी ना कुत्ते का विष्टा के बराबर, कुत्ते का विष्टा खा रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है, ये भगवान कहते हैं, जो चीज ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा कुत्ते का विष्टा खा रहे हो। लेकिन जो ठाकुर को सेवा में लग गया, भगवान कहते हैं अमृत है। मीरा का नाम सुने हो, मीरा का नाम सुने होंगे। बोले राणा ने भेजा बीस की प्याला, उन्होंने जहर भेजा मारने के लिए मीरा को, लेकिन मीरा गिरधर को सेवा के बगैर कुछ नहीं खाती थी, ठाकुर को भोग लगा दिया ना, वो जहर भी अमृत बन गया। अगर जो चीज हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वो अमृत बन जाएगा हैं। इसलिए हम सुदामा जी का नाम सुने हो, सुदामा पहले गरीब क्यों बना, बाद में धनी क्यों बना, आप लोग टीवी में देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए थे, एक दिन लकड़ी लेने के जा रहे थे, उनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया, बोले देख सुदामा कृष्ण को देख कर खाए, हम टीवी में देखे होंगे ना। सुदामा ने क्या किया, वो कृष्ण को दिया नहीं, अकेले अकेले खा लिया, तो इसलिए उसको क्या बनना पड़ा, उसको गरीब बनना पड़ा। इतने गरीबी का अंत तक, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, लेकिन धनी का बने। जब उसको पत्नी को पता चला, इनका बचपन का दोस्त भगवान द्वारका दिखल जा ठाकुर को दर्शन करके आओ, जब उन्होंने बोले खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, तब उन्होंने दो मुठी चिड़वा लेकर गए,
ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खा रही थी रुक्मिणी हाथ में गई, बोले नहीं आपने दो मुट्ठी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज और ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाए, इसलिए प्रभु मत खाया करो। टीवी में देखे कि नहीं, जब उन्हें वापस आया सोने की महल, उसकी पत्नी राजरानी बन करके बैठी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पाई, क्यों? ठाकुर जी को खिलाया। अगर ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना घर में खूब माल आएगा, घर में खूब लक्ष्मी आएगी, कृपा होगी, क्यों? जो लक्ष्मी और नारायण की, लक्ष्मी किसकी है? बोले लक्ष्मी किसकी है? नारायण की। अगर वो नारायण की सेवा में लगे ना तभी तो लक्ष्मी खुश होएगी। अगर खुद अगर लक्ष्मी को भोग करना चाहोगे लक्ष्मी खुश नहीं होएगी। इसलिए एक ही काम करना, जो कुछ खाना पहले ठाकुर जी को, कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, पहले उनको तुलसी पत्ता से भोग लगाओ। तुलसी पत्ता में भोग लगा करके ग्रहण करो। लेकिन इसमें एक समस्या, बोले क्या? बोले अगर प्याज लहसुन खाओगे तो भोग ही नहीं लगा सकते, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए। कल सुन रहे थे ना, जब भगवान सुदर्शन चक्र से वो राक्षसों को काटा, सौर भानु दैत्य को, जहाँ पर उसका मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज का पौधा हुआ, जहाँ पर उसकी हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन की पौधा हुआ। ये प्याज खाना मतलब होता है ये राक्षस का मांस खाना है। ऐसे कच्चा प्याज वो काटो, कटा बदबू आती कि नहीं? आग से आंसू आ जाती है। कच्चा प्याज खा किससे बात नहीं कर सकते हो ना, इसलिए जैसे नवरात्रि आती है, 9 दिन तो कोई खाती हो? बोलो कोई खाती हो? क्यों नहीं खाते हो? माता जी को पसंद नहीं, क्यों पसंद नहीं? क्योंकि ये राक्षस का मांस से बनाई है ये प्याज है, हैं? इसलिए ये चीज़ को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसलिए बिना बगैर प्याज लहसुन के ठाकुर जी को भोग लगाओ। बोले देखो तुम्हारी परिवार में देखो, तुम लोग तो यादव हो, कृष्ण के वंशधर हो, तुम एक पीढ़ी पहले तुम्हारे घर में देख लो, तुम्हारे घर में भी प्याज नहीं आता होगा, तुम्हारे घर में भी प्याज नहीं आती होगी। लेकिन ये प्याज लहसुन मांस आया कहाँ से? बोले ये भूगोल लोग ने लाए। कौन लाए हैं? ये भूगोल लोगों ने प्याज लहसुन मांस मदिरा उन लोगों ने लाए हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म से पहले वर्जित था, क्योंकि हर घर में पहले ठाकुर होते थे, ठाकुर को भोग लगता था, सब भोजन करते थे। लेकिन धीरे 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 सब खत्म हो गई परंपरा, क्यों? धीरे धीरे मुगल लोग ने ले आए मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, हम भी खाना शुरू कर दिए। इसलिए अगर हम कहते हैं हम सनातन धर्मी हिंदू धर्मी हैं, हमें ये प्याज लहसुन को त्याग देनी चाहिए। ठाकुर को जो चीज़ भोग नहीं लगता है हमें भी वो चीज़ प्यारी नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना? एक चीज कोशिश करो, प्याज लहसुन को मत खाया करो बस, और सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आप लोग बोलोगे प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आता, क्या बोलोगे? ध्यान देकर सुनो, कहेंगे प्याज लहसुन के बगैर स्वाद नहीं आता। देखो एक चीज को समझो, 9 दिन तक आप लोग नवदुर्गा की व्रत रखते हो, माता जी की, देखना रोज रोज घर में खाना बनती है, प्याज लहसुन डाल करके खाना बनाते हो। एक दिन तुम्हारे घर में कोई तिथि तिवार आ जाए, कोई तिथि आ जाए, जिस दिन ठाकुर को भोग लगे बगैर प्याज लहसुन के, उसी दिन जो खाना में अलग स्वाद आता है कि नहीं? बोलो, हाँ खुद बोलो, अलग स्वाद आता है कि नहीं? सबसे अलग स्वाद आता है यहाँ पर बगैर प्याज लहसुन के सब्जी बनता है, स्वाद आती कि नहीं? बोलो आती है ना। ये प्याज लहसुन दो गुंडे हैं, ये दो गुंडे हैं, जब सब्जी में डाल दिया ना असली जो सब्जी का टेस्ट है, हर सब्जी की एक असली टेस्ट है, वो दो गुंडे आकर सारे टेस्ट खत्म। बोले हम दो गुंडे आ जाए, छोले चले जाओ, होटल चले जाओ, राजमा चले जाओ, हम दो गुंडे आ गए, प्याज की बदबू आ गई, टेस्ट नहीं, इसकी बदबू आ गई। लेकिन बदबू को ना हम लोगों ने स्वाद समझ लिया। कुछ दिन आप प्याज लहसुन मत खाओ, आप देखना प्याज जहाँ कटेगा वहाँ खड़े भी नहीं हो सकता, दिमाग में चक्कर आ जाएगा सर नहीं। लेकिन हम उसको खा खा करके अपना आदत को हमने बिगाड़ दी। इसलिए भागवत से एक शिक्षा आज लेकर के जाओ, जो कुछ खाएंगे ठाकुर को भोग लगा कर खाएंगे, प्याज लहसुन को हम प्याज देंगे, ठीक है? अगर एक चीज जीवन में ग्रहण कर लिया ना, समझो तुम्हारी भागवत कथा सुनना सार्थक, भागवत कथा तुम्हारी सार्थक हो गया, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो कल है
हमारी भागवत कथा में सबसे बड़ा उत्सव है। जानते हो कल हमारी भागवत में कौन सा बड़ा उत्सव है? बोले श्री गिरिराज पूजा। श्री गिरिराज पूजा, कौन कौन गिरिराज गए हो? हाथ उठाओ तो। कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए? हाँ, इसलिए कल श्री ये अन्नकूट महोत्सव गिरिराज पूजा होगी। देखो ठाकुर जी स्वयं बताए, ये अन्नकूट जो महोत्सव में जब ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा को छोड़ करके उनने गिरिराज पूजा कराए, ठाकुर स्वयं आशीर्वाद दिया कि ये गिरिराज की पूजा में एक अन्न की दाना अगर किसने भोग में लगा दिया, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेंगी। गिरिराज पूजा की इतने महत्व, इसलिए गिरिराज जो परिक्रमा करते हैं ठाकुर जी, जो ठाकुर जी तुम लोग यादव वंश में आए हो, जो कृष्ण उसको पीछे 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 घूमते हैं। बोले क्यों? बोले इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, उसको वो मेरे क्या मांगेगा, जो मांगेगा सो दे देगा। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब जो सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। हम लोग गिरिराज, कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाए तो? आप देखना गिरिराज में जो गिरिराज की जो शिला है ना, देखना एक शिला के ऊपर एक शिला रखा होगा। जानते हो क्यों? बोले जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए वो गिरिराज शिला के ऊपर में जितना शिला रख दोगे ना, इतना मंजिली ठाकुर जी मकान बना देते। बोले ये सही बात है। हम बड़ों तो है ना, हमारे कुछ परिवार है, हमने एक साल पहले उसको घर में गए थे, उसका जो टूटा फूटा घर था, ये सही घटना सुन लो। लेकिन एक बार वो गिरिराज गया था, और गिरिराज में ना उसके तीन जो पत्थर था गिरिराज शिला, तीन शिला ऊपर ऊपर रख के चला है। वो खुद कहता है जब दूसरे साल उसको घर में गए, उसको देखा तीन मंजिल मकान बना हुआ। मैंने कहा भैया तेरे घर में इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आ गया? बोले बाबा मैं सही बताऊँ? बोले बताओ। बोले मैं गिरिराज परिक्रमा करने गया था, और गिरिराज जो पत्थर शिला है ना, तीन शिला में रख करके आ गया। पता नहीं जो रोड है ना, एक रोड उसका ठीक जमीन के ऊपर में सरकार का रोड गया। दूसरी साल में उसने इतने पैसा, मेरे को तो तीन करोड़ मिल गया मेरे हिसाब में, और मैंने एक साल में ये तीन मंजिल मकान बना दिया। ये सही घटना है। इसलिए गिरिराज की वहाँ पर जो जिनकी बेटी की शादी नहीं होती है, हम गिरिराज गए और देखना, वो देखना पेड़ में धागा बंधा हुआ रहता है, और गिरिराज की अभिषेक करते हैं। जो कुछ गिरिराज से प्रार्थना करोगे, बेटा का नौकरी नहीं, कोई बीमारी में पड़ा हुआ, जो कुछ गिरिराज से मांगोगे ना, गिरिराज सब दे देते हैं। बोले इतना महिमा क्यों? देखो कारण क्या है। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की भजन करता है, लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा की? गिरिराज की पहला पूजना किसने की? कृष्ण। विश्व ब्रह्मांड बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की? बोलो गिरिराज की परिक्रमा। ठाकुर जी स्वयं अपना परिवार को लेकर के गिरिराज को ठाकुर जी स्वयं परिक्रमा किए, इसलिए गिरिराज की इतने महिमा, जो सोच नहीं सकते इतने महिमा। कभी गिरिराज जा करके देखना, हजार हजार लोग परिक्रमा कर रहे हैं। देखो हम भी सोच रहे थे हम लोगों को लेकर के जाए परिक्रमा लगाने के लिए, लेकिन हम लोग जिस दिन कथा खत्म होगी ना, हम उसी रात को ही हम लोग नवद्वीप में जाएंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा परिक्रमा है, होली वहाँ पर उत्सव है। नहीं तो हम सोच रहे थे हम जितने माताओं को ना बस में लेकर के हम गिरिराज ले जाते, दर्शन कराते, आपको अभिषेक कराते, आप उसे परिक्रमा कराते, गिरिराज की पूजा कराने के लिए हमारी बहुत इच्छा थी। लेकिन जब हम कुछ दिन बाद में फिर दोबारा आएंगे, आकर के आप सबको ले चलेंगे गिरिराज की परिक्रमा में। कौन कौन जाएगा हाथ उठाएगा? हाँ, स्वर्ग हाँ की भक्त चलेंगे ना, आप जैसे नाचते कूदते हो, हे गिरिराज जी आप पर खुश हो जाएंगे। हाँ देखो कल है ना ये गिरिराज की पूजा, माइक दे दो, कल गिरिराज की पूजा है, इसलिए कल हम लोग यहाँ पर गिरिराज की हम पूजा करेंगे। हम लोग के काम करना अपना घर से बगैर प्याज लहसुन के, जैसे कोई जैसे कढ़ी चावल हो, नहीं तो कोई थोड़ी हलवा हो, नहीं तो थोड़ा पूड़ी हो, बस तुम जो चीज़ें अच्छी बनाते हो बगैर प्याज लहसुन के शुद्ध रूप में कुछ बना करके लाना। कल यहाँ पर गिरिराज की पूजा होगी, गिरिराज की पूजा होगी हम करेंगे। फिर वो जो प्रसाद है ना, वो जो प्रसाद आप लोग लाओगे, वो प्रसाद सब मिला करके आप लोग ही प्रसाद ले जाओगे, सब प्रसाद आप लोगों को मिलेगा। अगर नहीं थोड़ी कोई मीठा ले आना, नहीं थोड़ी कोई फल ले आना, जिससे जो संभव है कुछ ना कुछ खाली हाथ से नहीं आना, कुछ ना कुछ ले करके आना। कल गिरिराज जी हम यहीं पर पूजा कराएंगे, ठाकुर को भोग लगाएंगे,
क्योंकि जीवन में एक अन्न की दाना जो लगाएगा किसी जीवन में, घर में अन्न वस्त्र की तुम्हारी कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए कल हम बड़े धूमधाम से गिरिराज की पूजा करेंगे, ठीक है? एक बार गिरिराज की जयकार दो। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। आनंद नहीं आया आपको? जय कोई नहीं बोल रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की। हाँ देखो, हाँ हमारे बीच में हमारे एक प्रभु जी बैठे हुए हैं, ये आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। देखो ये जो प्रभु जी ये कहाँ किस में काम करते हो? बोलो माइक में, बोलो बोलो सुनो, बोलो सुनो। आईटी कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी। हाँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकी तनख्वाह करीब करीब 1,00,000 रुपया है इनकी। अभी भी ये नौकरी कंप्यूटर से करता है। लेकिन ये प्रभु जी ये कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जा करके सब यंग बच्चों को क्लास देता है। अभी देखना जैसे आप लोग बड़े बुरे हैं, आप लोग तो ठाकुर के प्रति श्रद्धा भक्ति है, लेकिन जो यंग जनरल है ना वो धीरे 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 भक्ति से दूर होते जा रहे हैं। दिन भर स्मार्टफोन लेकर पड़े रहते हैं, पिता माता की आदर से पालना नहीं करते, पिता माता की पूजा नहीं करते, पिता माता के चरण नहीं छूते। इसलिए ये कॉलेज में जा करके यंग जो बच्चों को, कॉलेज बच्चों को बड़े सुंदर क्लास देते हैं, उनको पुनः भगवान की भक्ति में उनको लाते हैं, जैसे उनके अंदर नया संस्कार पड़े। इसलिए आज ये जो कथा सुनाएंगे नए बच्चों को, गड़बड़ जो यंग जनरेशन है उनको कैसे धीरे धीरे कैसे भक्ति में लाए। और जिस घर की एक बेटा भगवान की भक्ति में लग जाता है उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। एक अगर वंश में एक बेटा तुम्हारी भजन में लग जाए, इतने महत्व है। इसलिए हम चाहते हैं आपका पूरा परिवार, बच्चे नन्हे मुन्ने जितने सब के सब भगवान की भजन करे। और जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा हो वो घर भगवान की धाम बन जाता है। अभी ये थोड़ी सी कथा सुनाएंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कल नहीं परसों आपका जितने घर के बच्चे सब जो क्लास 10, 11 कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं सबको यहाँ पर बुला करके उनको कुछ शिक्षा देने के लिए उनको क्लास हम देंगे। ये उनके लिए क्लास देंगे, बहुत अच्छी क्लास देते हैं। अभी वो थोड़ी सी इस विषय पर आपको बोलेंगे, आप लोग ध्यान देकर बोलेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मित्रलीला प्रविष्टम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार विंदुम मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सभी सीनियर वैष्णव माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी खुश खबर है, एक बहुत ही अच्छी खबर है और एक बहुत ही दुख की खबर है। बताओ पहले कौन सी खबर सुना? जोर से बोलो। अच्छी खबर ये है कि सौरखा गांव के अंदर में भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा का आयोजन हुआ है और सौरखा गांव के लोग बैठ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें। ये क्या है? खुश खबर है, अच्छी खबर है। और एक बुरी खबर है। बुरी खबर पता है क्या है? कि बहुत से लोग कथा को नहीं सुन रहे वहाँ बैठ करके, कथा में बैठ करके भी कथा को। देखो कौन कौन नहीं सुन रहा आसपास, देखो वो, देखो पीछे वो लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे। वो अपनी ही एक कोई पर्सनल कथा चलाते है ना, सही बात है ना। हरे कृष्णा। उधर देखो माता जी, उनको बोलो सब इधर देखे।
हाँ कथा इधर हो रही उधर नहीं हो रही, इधर घूम जाओ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए कान यहाँ पर दे दो। क्या दे दो? अपने कान, क्योंकि ये जो थोड़ी देर जो कथा बोलेंगे हो सकता है जीवन में कुछ परिवर्तन हमारे आ जाए। अभी जो भारतीय संस्कृति है ना वो पीछे की ओर जा रही है। किसकी ओर जा रही है? पीछे की ओर। बताओ कैसे? देखो बूढ़े माता जी सब लोग जो बड़े हो चुके हैं वो आगे हैं और कथा सुनने में बच्चे कहाँ हैं? सब कहाँ हैं? पीछे। और पीछे बैठ कर सुन भी नहीं रहे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उनकी कथा में रुचि, ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। जो स्टेज पे बैठे उसकी उनकी गलती है ना ये, कि जो नीचे बैठे उनकी गलती है? हाँ, कौन कौन मानता है कि हमारी गलती? हाथ खड़ा करो। और कौन कौन नहीं मानता कि नहीं हमारी गलती नहीं? हाथ खड़ा करो। तो कुछ लोग निर्दलीय बैठे हैं यहाँ पे, मायावती के ग्रुप से बैठे क्या कुछ लोग निर्दलीय? मानो या ना मानो, बड़ी खतरनाक स्थिति भारत के अंदर में अभी प्रस्तुत हो चुकी है, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो माता पिता की बात को नहीं मानते। थोड़े दिन तक मानते हैं जब तक स्कूल कॉलेज जाकर के थोड़े पढ़े लिखे नहीं हो जाते, जैसे ही थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं फिर वो नहीं मानते। हमें तो लगता है कि हमने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल कॉलेजों में भेज दिया, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करने जा रहे हैं तो बच्चे ही जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। सही बात है ना ये? उधर वो एक कथा चल रही दूसरी तक, इधर सुनो ध्यान से अब एक देखो, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, तो सोच रहा था बच्चों के लिए थोड़ी कथा बोलूंगा, बच्चे तो कोई सुन नहीं रहे, अब माता जी लोगों के लिए कथा सुन लो, ज्यादा करके माता जी लोग बैठे हैं, है ना, आप लोगों के लिए एक अच्छी कथा है, ध्यान से सुनो। ये तीन माताओं की कथा है, इसमें तीन माताएं हैं और उनके बच्चों की कहानी है। ये गाँव की कहानी है, ये सोरखा भी एक गाँव ही है, आजकल तो लोगों के घर में नल आता है, पहले नहीं आता था, ये जब की कथा है। तो तीन माँ, जैसे पहले गांव में पानी भरने जाते थे ना, पानी भरने गए, तीनों की तीनों कुएं से पानी निकाल करके अपने अपने मटकों को भर रही थी, अपने अपने मटकों को भर रही थी। इतने में एक बोलती है, अरे सुनती हो, मेरा जो बेटा है ना वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। क्या बन गया है? डॉक्टर बन गया है, बहुत पैसे कमाता है, बहुत बड़ी बड़ी कार उसने खरीद ली है, मेरे बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। दूसरी माँ बोलती है, मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बन गया। क्या बन गया दूसरा बेटा? इंजीनियर बन गया है, बहुत पैसे कमाता है, बड़ी बड़ी बाइक लेकर के चलता है, स्टाइल मार के बिल्कुल, हाँ। और बोलती कि वो इंजीनियरिंग के साथ साथ हीरोगिरी भी करता है। क्या करता है? टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, पिक्चरों में आता है, बिल्कुल स्टाइल में रहता है, हाँ? तीसरी माँ बोलती है कि मेरा बेटा जो है ना वो तो बेचारा इतना कुछ करता नहीं, वो बड़ी झिझक रही थी बोलने में, तो दो बलियारी तू भी तो कुछ बोल, हमने बता दी मेरे डॉक्टर बन गया, इसके इंजीनियर, तेरा क्या बना? बोला वो तो कुछ नहीं, किसानी करता है बस, ऐसा ही थोड़ा बहुत करके अपना काम चला रहा है, जैसे तैसे काम चल रहा है। तीनों बात करके अपने अपने मटके उठा करके घर की ओर चल दी। जब घर की ओर चल पड़ी ना, तो सबसे पहली थी जिसका बेटा क्या था? डॉक्टर था। उसका बेटा बड़ी कार में आता है, बड़ी कार में आकर के बोलता, माँ पानी लेकर के आ रही थी, बोलता माँ माँ क्या कर रही हो, पानी भर रही हो? बोला हाँ बेटा पानी भर के ले, बहुत अच्छा ले जा ले, बहुत बढ़िया ले जा, लेके अपनी कार लेकर के निकल जाता। थोड़ी दूर चलते जो दूसरा बेटा था, जो हीरो भी था इंजीनियर भी था, वो आता है बाइक पे आता है, एकदम स्टाइल में मार करके हेलप करके, माँ 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 क्या हाल चाल है, माँ पानी भर रही हो, माँ बहुत अच्छा, भरो भरो मैं आता हूँ जरा घूम करके, मैं भी घूम करके आता हूँ, तू जा घर पे पानी भर, खाना वाना बना करके रख, मैं आ रहा हूँ। इसको देख करके दोनों में देखा इधर है मेरा बेटा, क्या कैसा स्टाइल में गया है, एकदम बढ़िया, पहली बोलती तो मेरा वाला देखा नहीं कितनी बड़ी कार में गया। बोले हाँ बात तो सही है। अब तीसरी का आता है वो बेचारा अपने किसान था, जा रहा था, जा करके देखता, अरे माँ मेरी पानी लेकर के आ रही है, भाग करके जाता है, माँ को प्रणाम करता है, उसके हाथ से मटके को ले लेता। इसको देख करके जो दो थी ना उनको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा बुरा लगता है उनको, वो फिर सच सच बात बोलती है, बोले अरे सुन हम तो ऐसे ही कहते कि ये डॉक्टर इंजीनियर किसी काम के नहीं, बहुत निकम्मे कुछ नहीं करते, माँ बाप की सेवा
नहीं करते। ये तेरा बेटा भले ही कम से कम जैसे तैसे इसका काम चलता है, लेकिन ये क्या करता है माता पिता की। वो तीसरी बोलती है, देखो हम इसको ज़्यादा पढ़ा नहीं पाए, लेकिन हमने इसको रामायण से शिक्षा दी है, हमने इसको भक्ति की शिक्षा दी है, इसी कारण से ये माता पिता की सेवा करता है। अब आपको देखना है कि आपको किस प्रकार का बेटा चाहिए, समझ रहे हो। ये तीन माओं में से आपको कौन सी माँ बनना है। आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना है कि राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जोर से, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हो गई जय हो ना, राम जी का मंदिर बनना चाहिए ना, बन रहा है, अच्छी खुश खबर है। लेकिन लेकिन एक बात बताओ, क्या राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा, हैं? हाँ या ना? क्या केवल सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनने से क्या स्त्री सीता जैसी हो जाएगी, क्या बच्चे लवकुश जैसे हो जाएंगे, क्या भक्ति हमारी शबरी जैसी हो जाएगी, श्रवण कुमार जैसा बेटा होगा, लक्ष्मण जैसा भाई होगा, होगा कि नहीं होगा। कितने लोग बोलते नहीं हो सकता, हाथ खड़ा करो, निर्दलित तो है कुछ लोग निर्दलित। अगर हमें सचमुच में ही राम राज्य चाहिए, राम राज्य माने अवध, जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं, जहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं, जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं, अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो भगवान राम की जो रामायण, हाँ रामायण की जो शिक्षाएं हैं, गीता की जो शिक्षाएं हैं, भागवत की जो शिक्षाएं हैं, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सही बात है ना ये। देखो मैं एक छोटा सा भजन गाता हूँ, इसमें एक बड़ी शिक्षा है, ये भजन बहुत अच्छा है, आप लोग भी इसको अपने जीवन में उतारो। इस भजन में बता रहे हैं कि राम राज्य कब आएगा, कब भारत खुशहाल हो सकता है, स्त्री जब कैसी होगी, पुत्र को कैसा होना चाहिए। रामायण में इस भजन है ये छोटा सा, उसमें बताया, नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निषार शक्ति हो। बस राम राज्य आ गया, इतना करने से ही राम राज्य हमारे घर में देश में आ जाएगा। आपको पता है एक अभियान चल रहा है भारत के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान, सुना है? उसके अंदर क्या करते हैं, गंदगी को, लेकिन घर का कचरा तो हम निकालते हैं, लेकिन दिमाग का कचरा, इसलिए पूर्ण रूप से स्वच्छता नहीं आ पाती। दिमाग का कचरा कब निकलेगा, जब इस पे हम रामायण के ज्ञान की, गीता के ज्ञान की झाड़ू जब मारेंगे, तब जाकर के दिमाग का कचरा निकलेगा। यहाँ बैठ करके हम बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण की कथा को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोग सोचते हैं बहुत सारे देवी देवता, अच्छा एक बात मैं बताना तो भूल ही गया, अभी थोड़ी देर पहले लहसुन प्याज के बता रहे थे ना गुरुजी, लहसुन प्याज बता रहे थे, लहसुन प्याज छोड़ना है ना। सुना मेरे को एक बात याद आ गई, आपने ये सेक्टर 12 का मेट्रो हॉस्पिटल सुना है, किस किस ने सुना है, हाथ खड़ा करो। देखो उसके पीछे एक बाजार है, एक मार्केट है छोटी सी, उसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं। एक रहस्य की बात बताता हूँ, वहाँ पे एक बहुत छोटी सी दुकान है, जितना बड़ा ये हमारा ठाकुर जी का मंदिर का दिख रहा है पंडाल, केवल इतनी बड़ी एक दुकान है। उस दुकान में बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती, लाइन लगी रहती, बहुत बड़ी लाइन लगी रहती, और उसके आसपास खाने पीने की बहुत सारी दुकान है, लेकिन वहाँ पर एक का दुक्का लोग खड़े होते, लेकिन उस दुकान पर लाइन लगी रहती है। आपको पता क्यों लगी रहती है, बताओ क्यों लगी रहती। उस दुकान के वाले के पास में एक नुस्खा है, बड़ा खतरनाक नुस्खा है, और किसी को भी ये नुस्खा नहीं पता है। सब लोग आते हैं बोलते हैं, इसके जो यहाँ पे जो मिलता है ना खाने को, इसमें जो स्वाद है वो कहीं भी नहीं है, इसलिए लाइन लगी रहती है। आप लोग भी खाओगे एक बार तो खाते रह जाओगे। फिर जाकर के मैंने पूछा, मैंने बोला भैया यहाँ पे हमें तो पता था क्या नुस्खा है, पता है नुस्खा क्या, बता दूँ? आप लोग भी दुकान खोलोगे?
उसका ये है कि वो जो व्यक्ति है उसकी जो माँ है वो भगवान की कृष्ण की भक्ति करती है, वो लोग लहसुन प्याज। अब लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे ये लोग क्या डालते हैं, पर उनको ये भी पता है दो लोग दो चीज कम डालते हैं, एक्स्ट्रा नहीं डालते, क्या डालते, दो चीज। इतनी लाइन लगी रहती है, मैं सच बात बोल रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे हम लोग तो लहसुन प्याज खाते नहीं, हम तो घर से बाहर रहते थे, हम उसकी दुकान से जा करके खाते थे, इतना टेस्टी बनता है, लाइन लगी रही। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो जा करके देख लेना, यहाँ पे कालू कल्लू भैया ना जिनकी भागवत हो रही है वो भी कालू ही है, वो हमारे मठ में आते हैं, वो भी बड़ी सेवा करते हैं, वो लहसुन प्याज नहीं डालते। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि लहसुन प्याज नहीं डालने से खाना बेस्वाद हो जाएगा, नहीं, खाना एकदम स्वाद हो जाएगा। और ये दो इंच की जबान है, इसको कितना टेस्ट कराओगे, ये दो इंच का ही तो टेस्ट है ना, अंदर जाके पता चलता है क्या गुलाब जामुन है क्या रबड़ी है, सब ऐसे टेस्ट होकर के निकलता है। ये दो इंच की जबान के लिए भगवान की भक्ति छोड़ देना मूर्खता है कि नहीं है, मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए दो इंच की जबान के चक्कर में मत पड़ो, ये मछली जैसे भागती है ना जबान के पीछे, फिर कांटे में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है और मारी जाती है। इसलिए ये जबान के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की भक्ति। कृष्ण कौन है, आप सबने गणेश जी का नाम सुना है, गणेश जी क्या करते हैं, विघ्नों को हरते हैं, हरते ना गणेश जी, सबसे पहले किसकी पूजा होती है, गणेश जी की। इसलिए बोला यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ वंदे प्रणाम समय सगणादि राज विघ्नान विहंतु मल मस्त जयत्र जस्त्रम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कृष्ण कौन है, जब गणेश जी जब कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं ना तो उनके चरणों को उठा करके अपने शीश पर धारण कर लेते, क्यों, कृष्ण के चरण की भक्ति करने के कारण ही वो जगत के विघ्नों को हरते हैं, ऐसे कृष्ण हैं। सारे देवी देवता किसकी भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की। उदाहरण क्या है, देखो सभी देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, सरस्वती के हाथ में क्या है, वीणा, ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है, वेद, शिव जी के हाथ में क्या है, त्रिशूल, दुर्गा जी के हाथ में क्या है, अष्टभुजाओं में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है कि नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है, क्या है बताओ, सभी देवी देवताओं के एक हाथ में क्या है, भगवान की माला है कि नहीं, वो माला किसकी कर रहे हैं, वो जिसकी माला कर रहे हैं उसी की ही माला अगर हम भी करने लग जाए तो हमारे जीवन के सारे काम बन जाएंगे। भोले बाबा का नाम सुना है, शिव जी का नाम सुना है, शिव जी जब भी भगवान की सेवा आती है, जब भी भगवान का कोई काम आता है, सबसे पहले शिव जी आकर के भगवान की सेवा करते हैं, कभी हनुमान जी के रूप में आते हैं, जब भगवान जब जन्म लेते हैं तो भूतेश्वर, हाँ, शिव जी आते हैं भोले बाबा कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और जब रासलीला होती है जब कृष्ण क्या बनकर के आते, भोले बाबा क्या बनकर के आते हैं, बोलो, गोपेश्वर महादेव की गोपी बनकर के आते हैं। वो एक कीर्तन है बहुत सुंदर, उसके अंदर बताया, गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर। भोले बाबा ने क्या किया था, कामदेव को भस्म कर दिया था, कर दिया था ना कामदेव को भस्म। गोपी बनो शिव जाने काम कियो ढेर, ठुम ठुम नाचे गोरा हस मुख फेर। भोले बाबा कौन है, नंदी बैल को सवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, जननी की गति गई पूतना को ढेर, जननी की गति गई पूतना को ढेर। फिर क्या था, विष देने आई पाई, विष देने आई पाई मुक्ति के लम्बे, खुले गोलोक के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो विष पिलाने आई थी भगवान ने उसे क्या दे दिया, माँ की गति, धात्रोचित गति अपने धाम में प्रदान कर दी। इसलिए हम लोग कृष्ण की भक्ति बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, केवल चार चीजें छोड़नी है, मांस मछली लहसुन प्याज छोड़ दो,
नशा छोड़ दो, अवैध रूप में स्त्री पुरुष का संग छोड़ दो और जुआ छोड़ दो, बस ये चार चीजें छोड़नी है, नाम को पकड़ना है, इतना सुंदर हो जाएगा ये आपका जो सौर का गांव है, ये वृंदावन धाम बन जाएगा। केवल क्या करना है, सुबह उठ करके तिलक लगा करके भगवान की पूजा, थोड़ा सा भगवान का नाम, तुलसी परिक्रमा, आनंद ही जीवन में आनंद ही आनंद है इसलिए। और बच्चे देखो, वो सब बच्चे बैठे ना वो पीछे, देखो मैं देख रहा हूँ कुछ लड़कियां बैठी है, कुछ बच्चे देखो वो पीछे खड़े हुए हैं, फोन से फोटो खींच रहे। पता है ये बच्चे क्या सोचते हैं, कि जो भगवान की भक्ति है, जो ये शास्त्र है, ये मनोकल्पित है, मनगढ़ंत, क्योंकि वो लोग जाकर स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर इनको कोई बताया जाए कि ये सारी की सारी जो ज्ञान है ये शास्त्रों से आया है, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये बच्चे, ये देखो मेरे को तो आश्चर्य होता देख करके, बिल्कुल बच्चे सुनते हैं। अगर वैदिक मैथमेटिक्स को आप अवलंबन करोगे, दुनिया में फास्टेस्ट कैलकुलेशन करने वाली जो लेडी थी वो वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करती थी, जो वेदों का हिस्सा है, समझ रहे हो। अब रही तुलसी की बात, देखो तुलसी, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं तुलसी जी का। सब लोग तुलसी जी की आंगन में लगाते हैं ना, अपने अपने घरों में सब लोग तुलसी जी लगाते हैं, लेकिन पीछे उसके रहस्य नहीं पता है, उसके पीछे विज्ञान है। तुलसी के पौधे में ऐसी क्या विशेषता है, देखो आध्यात्मिक कारण तो हमें पता है कि तुलसी जी की पूजा करने से भक्ति होती है, घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन साइंटिफिक कारण भी तो है जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। देखो सारे जो पेड़ पौधे होते हैं ना, सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को, पढ़ा कि नहीं पढ़ा बच्चों, पेड़ क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और बोलो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन रात में क्या करते हैं बोलो, रात में क्या करते हैं पेड़, रात में क्या छोड़ते हैं पेड़, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बोल रहे हो, पढ़ाई लिखाई करती है, पढ़ा रहे हो आप, स्कूल में जाकर के भी ऐसी बातें करते होंगे। रात में पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन। इसलिए हमारे गांव में बोला करते थे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ पे क्या है, भूत है, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि उसके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है पेड़। लेकिन कुछ पेड़ होते हैं जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पीपल का पेड़ है और तुलसी जी का पेड़ है। आप जानते हो ये बात तो विदेशी लोगों को अभी पता चली है 40-60 साल पहले, लेकिन भारत वालों को तो कितने सालों से पता है। इसलिए हम लोग आंगन में क्या लगाते हैं, पीपल के पेड़ की क्या करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। और पीपल के जड़ से लेकर पीपल का बीज और तुलसी जी की भी जड़ से लेकर तुलसी की मंजरी, सब के अंदर औषधि गुण हैं। क्या है औषधि, सारी दवाइयां इनसे बनती है। जिन चीजों को विज्ञान अभी खोज रहा है, भारत उन चीजों को पहले ही खोज करके सारे जगत के सामने रख चुका है, लेकिन हम लोगों पे उसको विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोगों का विश्वास तो ये जो अभी जैसे टीवी पिक्चर में देखते करके जो साइंस जो पढ़ा रहा है, जो हम पढ़ते हैं किताबों में, इसी पे विश्वास। तो यहाँ पर देखो कितने सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में गुरु जी आए हैं और आकर के कथा सुना रहे हैं। कोई किसी प्रकार का हम लोगों को लोभ नहीं, गुरु जी को किसी प्रकार का लोभ नहीं। आपके बीच में क्यों आए बताए, आप लोगों के ही कल्याण के लिए। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सब कल से बहुत ध्यानपूर्वक कथा को श्रवण करना, और जब जाएंगे इस कथा से, इस कथा के सार रूप भगवान के नाम को लेकर के जाना। क्या लेकर के जाना, भगवान के, वरना साथ में कोई भी जाता, कोई चीज साथ में नहीं जाती। एक हम गांव में गए थे, वहां बता रहे थे कि एक बुढ़िया मर गई, तो उस बुढ़िया मर गई तो सारी बहुएं जोर जोर से रो रही थी। तो रोते रोते एकदम से अर्थी उठा के जाने लगी, तो बुढ़िया के हाथ में और नाक में सब सोना पहने हुई थी, तो एकदम से बहू में जोर से रोने लगी, करके और जोर से रोने लगी। तो सब लोग सोचने लगे कि एकदम से क्या हुआ, बोला अरे गुट्टी तो काट लेते। बुढ़िया के हाथ से क्या निकाल लो, अंगूठी निकाल लो, और जिस शरीर को तुम इतना सजा रहे हो उसकी ऐसी हालत होने वाली है, कुछ भी साथ में जाने वाला क्या जाएगा, केवल और केवल भगवान का नाम। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली। मीरा आवाज लगा रही है, नानक जी भी यही बात बोल रहे हैं, तुलसीदास जी भी यही बात बोल रहे हैं, कलयुग केवल नाम हजारा, सभी लोग यही बात बोल रहे हैं, गुरु जी भी आकर के यही बात बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग जिस कथा से क्या लेकर के जाएंगे, भगवान के नाम को, यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरी आप लोग चाहते हो
अब का जो बच्चे ऐसे बनने चाहते हो, ये देखो कि पढ़ाई में क्या है, जीत इधर आ गया, जीत नौकरी भी क्या, पढ़ाई करते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं। अब भी चाहते हो आपका बच्चे ऐसे बने, कौन चाहते हो हाथ उठाओ सर। अरे हाथ उठाओ जोर से, कोई हाथ नहीं उठा। हाँ, अगर आप चाहते हो आपका बच्चे भी ऐसे भक्ति करे, भगवान का नाम जप करे, होगा तो जो परसों है ना, परसों अपना सारे बच्चों को बुलाना, इसी मंदिर में बुलाना, और ये प्रभु जी आपका बच्चों को बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। सब अपना बच्चों को यहाँ पर एक समय रखना, जिस समय पर बच्चों का पढ़ाई नहीं हो, अरे मंदिर में आए और ये बच्चों को ज्ञान की मांग पूरी। हरे कृष्णा ब्रिशवान मैया कृतिका कहाँ पर है, राधा रानी को तैयार कर दो, छोटी राधा रानी बनाई, हंस रहे हो क्या, बच्ची बच्ची को भी राधा रानी को बनाई, बच्चे को ठीक है। प्रभु जी आप एक पगड़ी बना लो, तीन लो पगड़ी पहन लो, अभी राधा रानी की जन्म हो। हाँ, सभी लोग एक बार बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हाँ, अभी जैसे कि दो मिनट का समय ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ही अच्छे लोग आप लोग, इतना आराम से बैठते हैं और कथा के बाद भी पूरा कीर्तन सुन के आरती लेके बाद में प्रसाद पाते। आज दो अनाउंसमेंट है, यहाँ के माता है ना, हम लोगों को जैसे दुनिया में कहीं नहीं था। सही बात है, जानते हो क्या कारण है, जब भगवान का प्रसाद होता है पहले दूसरे जगह पर किया होता है, और कीर्तन खत्म नहीं होने से भी जाकर लाइन माताएं लग जाती हैं, लेकिन यहाँ माताओं का मैंने विशेषत्व देखा है, भाई लोगों का बच्चे लोगों को पहले ले जाते हैं और माताएं कीर्तन आरती को बाद में जाकर के प्रसाद लेते हैं। मैंने सारा दुनिया में ऐसे नहीं देखा, तुम्हारी गांव में इतनी अच्छे लोग हैं, इसलिए तुम लोग के लिए खूब जोर ताली बजाओ, तुम लोग इतने अच्छे हो, गाँव सरखाओं के भक्त लोग हैं। और एक बात और है, यहाँ जो माताएं हैं, मैं बहुत सा हम बहुत गाँव में कथा करते हैं, तो लड़ाई जो लाइन में लग के जो प्रसाद पाते ना, जैसे हम पत्तल दे देते हैं, कई गांवों में कथा की एक पत्तल दिया, चार माताओं ने चार टुकड़े कर दिए, पहले छीनने के लिए पत्तल के चार टुकड़े हो जाते थे, और यहां पर माताएं बहुत अच्छी लाइन में लाती हैं, कोई लाइन भी नहीं तोड़ती है, आगे से भी नहीं आती है, सीधा लाइन में आती है, ये बहुत अच्छी चीज़ देखा। और ये लाइन जो हम बना रहे हैं ना, ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं, हम लोग जल्दी जल्दी हो जाए ना, अगर लाइन नहीं बनाएंगे सारे एक साथ जाएंगे तो हो नहीं पाएगा, तो आप मेरी प्रार्थना है, दो दिन का और है, लास्ट के दिन लाइन में लगाएंगे हम लोग, बैठा के करा देंगे, कोई चिंता मत करना। पर आज की और आप जैसे ही आप लोग जैसे लाइन में लेके प्रसाद ले रहे हैं, ऐसे लेना, जो बूढ़े लोग हैं उनको हम लोग पत्तल ले आके लगा के दे देंगे, उनको लाइन में नहीं लगना, पर थोड़ा बैठना इधर इधर हम दे देंगे। और जो आज के प्रसाद की व्यवस्था है वो विक्रम पंडित और उनकी पत्नी माला जी, ये इन्होंने किए, इनके लिए आप जोरदार ताली बजाइए। और वो लोग परिवार महाराज जी से भी आशीर्वाद लेने आएगा, क्योंकि जब राधा जी का जन्म होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीर्तन होगा, उस समय नहीं होगा। विक्रम पंडित और माला जी, और अभी एक भक्त महाराज जी, अभी एक भक्त गुलाब जामुन से ड्रम भर के लाए बांटने के लिए। हाँ, भगत जी वो भी महाराज जी के पास आएंगे, भगत जी जो सत्तू के जो पुत्र है भगत जी। हाँ, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाना। बाला जो विक्रम सिंह जी भी जो पत्नी है, बाला नाम उनका, और ये भगत सिंह है जो अभी गुलाब जामुन लाए हैं, क्योंकि नंद उत्सव का कल हमने खीर बाटी और आज राधा जी का जन्म है, तो आज गुलाब जामुन, बोलो राधा रानी की। आज खीर भी लगता है, बना है। हाँ, खीर भी बनाया और गुलाब जामुन भी एकदम बढ़िया। गाँव के भक्त लोग बड़े दानी लोग, उनको बुला लो, विक्रम सिंह कहाँ है, ये भगत सिंह और ये विक्रम पंडित और बालाजी आ जाए, और माला पूजा में माला देना, तीन माला। भगत सिंह की माँ का नाम क्या, राजन माता जी आ दो, भगत सिंह की माता आ दो, राजन कहाँ है, तीन माता जी बोलिए, बोल दो राजन कौन है आप, देखो तीन माला दे दो, कहाँ है प्रभु जी, आ जाओ, भगत सिंह की माता राज, क्या हुआ बोलो, अरे विक्रम सिंह कौन है, विक्रम सिंह भैया, विक्रम सिंह और उनकी पत्नी बाला।
हाँ तो का उनको बुला दो, बोला आ जाओ विक्रम सिंह प्रभु जी इधर आ जाओ, उनको धर्म पत्नी भी बाला, बाला जी बाला जी। हाँ देखो माता एक बात सुनो, और उनकी माता भगत सिंह राजन राजन। देखो जिस दिन ये गांव में नगर संकीर्तन हुआ, ध्यान देकर सुनो, जिस दिन ये गांव में नगर संकीर्तन हुई, हम लोगों ने दो माइक लाए थे छोटे छोटे विदेश माइक, इसमें मजिरा थी, करताल थी, उसमें मेरी नोटबुक भी थी, लेकिन यहाँ पर कहीं खो गया वो ब्याज, इतना बड़ा काला रंग का ब्याज था, वो कहीं खो गई है। अगर किसको मिला होगा तो हमारी बहुत जरूरी चीज़ इसमें, उसमें मजिरा है, दो माइक है, मेरे एक नोटबुक, उसमें बहुत सारे भगवान के बारे में लिखा हुआ, जिसको मिला होगा मेरे को कृपा करके दे जाए, नहीं तो पाप लगेगा उसको लेने से। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ, ये भगत भी नहीं थे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ पंडित जी, आ जाओ पंडित जी, आ जाओ ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, इनके लिए ताली बजाओ। अभी महाराज जी ने आपको बताया एक बैग है और काले रंग का, उसमें दो माइक हैं काले रंग का, उसमें करताल है, महाराज जी की डायरी है, किसी भी सज्जन को, माता को, बहन को, भाई को, बंधु को मिला हो तो वो बैग आपके तो ज़्यादा कोई काम का नहीं है, लेकिन हमारे बहुत काम का है, महाराज जी के बहुत काम का है, तो जिनको भी मिला हो तो वो बैग कृपया यहाँ पहुँचाने की कृपा करें। भगवान का सामने में शादी होगी तुम्हारी, राजन माता जी, राजन माता जी, राजन माता जी इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, बोले वृंदावन राधा रानी, क्या नाम है तुम्हारी, इनका बेटा भी कोई है, आ जाओ इधर आ जाओ, ले ले लो, ले लो ठाकुर का प्रसाद ले लो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राम, हरे हरे कृष्ण। जो राधा रानी के पिता माता है ना माता जी, अरे इधर राधा रानी की छोटी बनाए कि राधा रानी बनी है बच्ची है, उधर 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 जाते हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की, अभी राधा रानी जन्म लेगी, देखो राधा रानी का पिताजी का नाम है श्री कृष्ण, बैठ बैठ बैठ, अब तू इधर आ जा, इधर आ जा, बोले राधा रानी के जो पिताजी का नाम श्री वृषभानु महाराज है, कहते वृषभानु महाराज की केवल एक बेटा सुदाम भैया थी, लेकिन उनके घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए वृषभानु महाराज सोच रहे घर में एक बेटी होनी चाहिए, क्योंकि आप सुने होंगे जब घर में कोई बेटी होती है ना, ध्यान देकर सुना, घर में जब कोई बेटी आती है ना, दुनिया कहते घर में माँ लक्ष्मी आई, घर में कौन आई है, लक्ष्मी, इसलिए कोई बेटा आए तो कोई नहीं बोलता है नारायण आया है, लेकिन जो जगत का जो लोक है, अगर घर में अगर बेटी हो जाए ना दुखी हो जाते हैं, लेकिन बेटा हो जाए तो बड़े खुश होते हैं, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, अगर जगत में माताएं अगर नहीं होएगी बताओ ये दुनिया चलेगा, अगर सारा दुनिया में बेटा ही बेटा ही बेटा ही हो जाए फिर ये दुनिया क्या चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, इसलिए जो माताएं हैं चलिए लक्ष्मी स्वरूपिणी ये माताएं हैं, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, इसलिए श्री वृषभानु महाराज सोच रहे थे घर में एक बेटी होनी चाहिए, ये रोज वृषभानु महाराज जाते थे यमुना में स्नान करने के लिए, जब यमुना में स्नान करने के लिए गए इतने में ब्रह्म मुहूर्त में जब गए देखा एक सतदल कमल पुष्पों के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक लाली किलकारी मारते हुए और जिनकी शरीर की छटा से चतुर्दिग एकदम उजला उजला हो रहा था वो पानी में बहते बहते आ रही थी, और वृषभानु महाराज पानी में उतरे और श्री राधा रानी को लेकर के आ गए और अपना पत्नी कृतिका सुंदरी की दिया, बोले कृतिका देखो ठाकुर जी हमें सुंदर एक लाली दी है, अभी उन्होंने पूरा ब्रज मंडल में उन्होंने नौता भेज दिया घर में लाली भई है, और श्री नंद बाबा को भी बोले मेरे घर में लाली भई है
आप मेरे लाली को आशीर्वाद देने के लिए आओ। लेकिन राधा रानी जब आई तब से आंख बंद करके रखी। बोले क्यों? बोले सर्वप्रथम मैं अपना प्रियतम कृष्ण को देख करके फिर ये आंख को मैं खोलूंगी, नहीं तो उसको पहले आंख नहीं खोलूंगी। जब श्री नंद बाबा कृष्ण को लेकर के आए जिसमें श्री राधा रानी लेट रही थी उसी में उन्होंने कृष्ण को लेटा दिया और इतने में कृष्ण अपना हाथ को उन्होंने अपना बेटी को ऊपर रखते ही इतने में राधा रानी ने आँख खोल दी और वृषभानु महाराज एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। खैर तो उन्होंने जितने आनंद से उत्सव मना रहे थे उससे ज़्यादा आनंद से उन्होंने श्री राधा रानी की जन्म महोत्सव मनाए। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। श्री नारद जी बाबा जी आ गए, नारद बाबा भी आकर राधा रानी की बड़े सुंदर स्तुति कर रहे थे। बोले मुनिन्द्र बिंद वंदित त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र धूनु संगते गदाधरी अशोक वृक्ष भल्लरी विताल मान भाषित प्रबाल बाल पल्लव प्रभाव राज नंदिनी की जय। जय श्री राधे। कल गिरिराज गोवर्धन पूजा करेंगे, आप लोग सब गिरिराज के लिए कुछ ना कुछ घर से लेकर आना, बगैर प्याज लहसुन के रूप में बना कर दिलाइयो। श्री गिरिराज महाराज की
Thank you.
Thank you.
Oh,
ऊपर हाथ उठा लो, सब किसी ऊपर हाथ उठा लो। हाँ मेरे साथ थोड़ी शारीरिक अभिला हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी